इस फिक्सिंग है, इसमें मैं एक और चीज ऐड करना चाहता हूं, किसी भी चीज को कितना प्रैक्टिस करना चाहिए आपको, उसको तब तक प्रैक्टिस करना चाहिए जब तक यू गेट इट राइट, एब्सोल्यूटली नॉट। आई टेल यू समथिंग इवन बेटर, आपको किसी चीज को तब तक प्रैक्टिस करना चाहिए कि दैट यू नेवर गेट इट रॉन्ग, एब्सोल्यूटली। सो विद दिस इंस्पिरेशन लेट अस गेट स्टार्टेड एंड आई होप आप लोग इक्वली एक्साइटेड हो। आपने अपनी शीट कर ली थी, आपको पता होना चाहिए आपकी शीट होती है livedaily.me/JEE में, एंड ऑब्वियसली आपके प्रीवियस सेशंस के लिंक में भी वो शेयर होती है, ऑल्सो ऑन द टेलीग्राम चैनल्स एवरीवेयर इवन ऑन कम्युनिटीज। तो इंश्योर करना कि आप डेली बेसिस पे शीट करके आए तो बेहतर होगा, नहीं तो आप अगेन अगर आपने नहीं किए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉलो करने की पूरी कोशिश करना। आपने हमारी नंबर वन टीम ऑफ द कंट्री को फॉलो नहीं कर रखा है हर जगह तो फॉलो कर लीजिए, @NamoCall बच्चों ये मेरा आईडी है। उसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अनअकैडमी जेई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो पाप कर रहे हो डेफिनेटली। जिसका दिल बहुत बड़ा होता है वो एक लाइक जरूर करता है, जिसका दिल बहुत बड़ा होता है वो डेफिनेटली सब्सक्राइब करता है, तो सब्सक्राइब अभी के अभी कर लीजिए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे आ जाइए t.me/livejee और ऑल्सो यू कैन कम टू t.me/namochat अगर आप मेरे साथ बातें करना चाहते हैं तो यार ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस, यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी और यार इस नंबर को 200,000 तक पहुंचाना है बहुत जल्दी, 200,000 फॉलोअर्स। एंड थैंक यू सो मच कि यार इतने सारे बच्चों ने फॉलो किया यार। उसके अलावा अगर आप मेरी सारी स्पेशल क्लासेस फ्री में देखना चाहते हैं तो आप नमो कोड यूज कर सकते हैं, नमो या नमो लाइफ, आपको फ्री में सारी क्लासेस का एक्सेस, खाली मेरी क्लासेस का नहीं, अनअकैडमी में जितने भी जहां के टीचर्स हैं सबकी स्पेशल क्लासेस का एक्सेस आपको मिलियंस ऑफ मिनट्स का अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा livedaily.me/JEE ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, आपको बताना चाहता हूं 15-20 लाख बच्चे डेली बेसिस पे इन लेक्चर्स और इन नोट्स को फॉलो करते हैं, ठीक है ना। चलो इसको और ये रिजल्ट्स कंपाइल हो रहे हैं और अगेन लेट मी टेल यू दैट वी विल हैव द बेस्ट रिजल्ट्स इन द कंट्री और मैं आपको बताऊंगा कैसे, ठीक है। बहुत बहुत बड़ा कंपाइलेशन चल रहा है, आई मीन देयर इज अ लॉट हैपनिंग, उसके बाद ही हम आएंगे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल मतलब कुछ भी एनी नंबर विल शो टू यू, है ना, इट हैज टू बी लेजिबल, ठीक है। चलो livedaily.me/JEE यहां पे आपको सारे लेक्चर्स और सारे नोट्स हर जगह मिल जाते हैं, हर जगह नहीं मतलब यहाँ पे मिल जाते हैं। उसके अलावा 80-90% क्वेश्चंस हैव कम डायरेक्टली फ्रॉम दिस नोट्स। उसके अलावा अगर आप अपने प्रेपरेशन को और नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे आप लाइव क्लास एनवायरनमेंट का फायदा उठा सकते हो, परफॉर्मेंस एनालिसिस का फायदा उठा सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ अनअकैडमी नंबर वन क्यों है, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स रिजल्ट्स बट इट इज नंबर वन, इट इज द नंबर वन प्लेटफॉर्म इन द कंट्री, क्योंकि इसमें एक चीज नहीं होती है, दैट इज टीचर चेंज बैच चेंज, क्योंकि जहां पे टीचर चेंज हो जाता है वहां पे चीटिंग हो जाती है, ठीक है ना, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। टीचर चेंज बैच चेंज यहां पे नहीं होता, यहां पे इंडिया की नंबर वन टीम पढ़ाती है, नंबर वन टीम क्यों, क्योंकि यार ये 15-20 लाख बच्चे इनको डेली बेसिस पे फॉलो करते हैं, इंडिया के पहले डिजिटल ऑथर्स है और दे आर ऑल्सो दी ऑथर्स ऑफ द टॉप रैंकर सीरीज, दे आर ऑल्सो दी ऑथर्स ऑफ टॉप रैंकर सीरीज जो आपकी प्यारी सी किताब है और इस पे मतलब ढेर सारे सवाल आप करते हो। एंड नॉट जस्ट दैट, आप ये एक और चीज देखिए यार यहां पे और कौन कौन पढ़ाता है, वाइब्रेंट हो गया, बंसल्स हो गया, न्यूक्लियस हो गया, टॉप टीचर्स ऑफ कोटा आर ऑल्सो टीचिंग यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म, ठीक है ना। तो टॉप टीम ऑफ द कंट्री, टॉप टीम ऑफ कोटा, एंड नॉट जस्ट दैट, यहां पे हम रुकते नहीं है। उसके अलावा आप सोचो वी आर इन द एंड गेम नाउ, चाइना बैच, ठीक है, द नंबर वन बैच ऑफ साउथ इंडिया, चैतन्य नारायण बैच, दैट इज पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो यार इसीलिए अगर अन अकेडमी नंबर वन है तो नंबर टू आसपास भी नहीं है, तो यार ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा बच्चों हम नहीं बोलते, हमारा रिजल्ट बोलता है, 3 बार लगातार 100% आइल, और अगर आप परसेंटेज सिलेक्शन की भी बात करो तो ऑब्वियसली बात है अगर टीचर्स बेस्ट होंगे तो रिजल्ट तो ऑटोमेटिकली आना ही आना है, दिस इज जस्ट एन आउटकम। उसके अलावा आप ये सोचो ऑल इंडिया रैंक वन अमेया सिंगल, ही वॉज पार्ट ऑफ एन अकेडमी, और यार नॉट जस्ट दैट, द थिंग इज कंसिस्टेंटली जो 100% आइल लाने वाला प्लेटफॉर्म आपके सामने है। उसके अलावा जल्दी से देख लीजिए, अगर आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप एक कोड यूज कर सकते हैं नमो या नमो लाइव, इससे आपको मिलता है मैक्सिमम बेनिफिट। आपको कौन सा सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए 11th, 9th और 10th वाले बच्चों के लिए, ये वाला सब्सक्रिप्शन बेस्ट है, 2 साल और 2.5 साल का सब्सक्रिप्शन। अगर आप 12th या ड्रॉपर हैं तो आप ले सकते हैं 6 मंथ्स या 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन, 1 मंथ 3 मंथ दोनों बच्चों के लिए बेस्ट है जो टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्सेज के लिए आते हैं। सर आइकॉनिक ले या प्लस ले, तो यार डेफिनेटली प्लस और आइकॉनिक में आइकॉनिक इज अ बेटर वन, बिकॉज यार इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें मिलती है, एंड में डिटेल में बताऊंगा, बट आप प्लस तो ले ही लो, है ना, आइकॉनिक में बाद में भी अपग्रेड कर सकते हो, तो दैट इज वन गुड थिंग, ठीक है ना। तो अपनी पढ़ाई को नहीं रोको, जल्दी से अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन आप ज्वाइन कर लो एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी ज्वाइन करोगे उतना कम आपका बैकलॉग होगा, उतना ज्यादा आप आगे बढ़ोगे लाइफ में, ठीक है ना। तो इंश्योर करना कि आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन का पार्ट बन जाए। और एक और चीज बच्चों, मैं हमेशा बोलता हूं आप जब जब ये कोड यूज करते हो तो दिल मेरा भी धड़कता है, क्योंकि यार ये मेरा तरीका है सोसाइटी को वापस देने का। अगर आप सब्सक्रिप्शन नहीं भी खरीद
खरीदते हो तो भी आपको इस कोड से मैक्सिमम पॉसिबल बेनिफिट कैसे मिलता है, टेस्ट सीरीज आपको फ्री में मिल जाती है, काफी सारी जो टेस्ट सीरीज होती है यहाँ पे उसका एक्सेस आपको फ्री में मिल जाता है, हार्मोनिक मोशन। और उससे पहले हम बेसिक्स कवर करने वाले हैं, बेसिक्स की ऑसिलेशन क्या होता है, पीरियोडिक मोशन क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है। ट्रस्ट मी, ये सारी चीजें तुम्हें बहुत हैवी लग रही होंगी, बहुत ज्यादा हैवी लग रही होंगी, बट है नहीं हैवी, ये लग रही होंगी हैवी बट है नहीं हैवी, ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जैसे ये जो चीज मैंने खोपरा मूव कराया था राइट, अब अगर इसी खोपरे पे है ना, अगर मैं इस खोपरे को मूव करा रहा हूं, ध्यान से देखो है ना, और इस पर एक पेन लगा दूं है ना, पेन लगा, में ये टू 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 होता रहता है, समझ में आ गया। कोई भी बोले SHM बेटा, इसकी याद तुम्हें आ जानी चाहिए, कोई भी बोले SHM मतलब स्प्रिंग वाला मोशन, टंग 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 टंग, इसमें हर बार जब भी फोर्स लगता है वो रीस्टोरिंग फोर्स होता है, रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, समझ गए ना मेरी बात। पेरेंट्स वाला प्यार ही है, ठीक है, तुम रूठते हो यहां जाते हो पेरेंट्स की तरफ वापस आते हो, तुम रूठते हो यहां पे जाते हो पेरेंट्स की तरफ वापस आते हो, है ना, वो सबसे सच्चा प्यार होता है, ठीक है, झूठा प्यार नहीं होता वो, ठीक है, क्लियर है, समझ गया, ओके, वेरी गुड। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। तो जब भी ये स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है तो यार यहां पे रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, जब भी स्प्रिंग एलोंगेट हो रही है तो यहां पे लग रहा है, इसको मीन पोजिशन कहते हैं। ये एक ऑसिलेटरी मोशन है, एक तरीके से एक ऑसिलेटरी मोशन है। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, जो बार बार होता है, पीरियोडिक मोशन विच इज टू एंड फ्रो इन नेचर, ठीक है, समझ गए मेरी बात, ओके। और F is equals to minus kx क्यों होता है, F is equals to minus kx क्यों होता है, वैसे बताओ ये क्यों होता है, minus kx क्यों होता है, but better way of writing this is this, better way of writing this is in vector form, कि अगर आपका वेक्टर यहां पे, मतलब अगर आपका डिस्प्लेसमेंट यहां हुआ है तो फोर्स उल्टा लगेगा, ठीक है, अगर आपका डिस्प्लेसमेंट यहां हुआ है तो फोर्स यहां लगेगा, समझ गए मेरी बात। तो जैसे अगर आपका एक्स पॉजिटिव है, अगर आपका एक्स पॉजिटिव है, इसको देखो, अगर आपका एक्स पॉजिटिव है तो फोर्स है ना मीन पोजीशन के अबाउट लगेगा, मीन पोजीशन इज लेट्स से एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, अगर आपका एक्स नेगेटिव है, अगर आपका पोजीशन यहां पे है तो एक्स को नेगेटिव डालो तो फोर्स ऑटोमेटिकली पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगा, समझ गए मेरी बात। तो ये फोर्स का देखो, ये रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन है, ये तुम्हें बताता है कि फोर्स कहां लग रहा है, कैसे लग रहा है, और ये एक लीनियरली इंक्रीजिंग फोर्स है, ये लीनियरली इंक्रीजिंग फोर्स है, जैसे जैसे तुम्हारा एक्स बढ़ेगा तुम्हारा फोर्स भी बढ़ेगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल था, इसमें तुम्हें समझ में आ गया था। अब यार एक और एग्जांपल बताइए नमो सर, जहां पे SHM होता है, तो चलो ये तुमने देख रखा था, ये एक SHM होता है, ठीक है, एक अच्छा एग्जांपल है SHM का, ठीक है, ये प्योर SHM है, हमेशा इसको ध्यान रखना, ठीक है। उसके अलावा जब मैं एक स्पीकर, अब जैसे मैं तुम्हें कुछ बोल रहा हूं, तुम्हें आवाज कैसे आ रही है, यहां पे डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, मेरी वोकल कॉर्ड्स है, यहां पे वोकल कॉर्ड्स होती है, यहां पे दो कुछ लैरिंग्स होता है ना, एडम्स एप्पल जो है इसके अंदर वॉइस बॉक्स होता है, ये तुम्हारा स्पीकर है, ठीक है, ये हमारा माइक्रोफोन है जो सुनता है, ठीक है। तो ये जो हमारा ह्यूमन स्पीकर है, यहां से मैं एयर को डिस्टर्ब कर रहा हूं कि तुम ये सुन पा रहे हो, मैं कुछ ऐसे डिस्टर्ब कर रहा हूं कि तुम ये सुन पा रहे हो, सारे गामा पाधानी सा, डिफरेंट है ना, डिफरेंट साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टर्बिंग एयर मॉलिक्यूल्स, मतलब स्पेस में अगर मैं चिल्लाऊंगा तो बेटा तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ सुनाई नहीं देगा, मतलब अगर तुम लिप रीड कर सकते हो तो फिर वो अलग बात है, बट यार यहां पे अगर तुम एक एक मॉलिक्यूल को देखो, अगर तुम एक एक मॉलिक्यूल को देखो तो यार वो SHM ही कर रहा है, ठीक है, अगर एक मॉलिक्यूल को तुम पकड़ लो तो वो SHM ही कर रहा है, इसको विजुलाइज करके देखो, क्या मजा आ रहा है तुम्हें इसको देख के, है ना, वेव्स में तुम्हें पढ़ोगे तो उस टाइम बड़ी याद आएगी SHM कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और SHM के बिना तुम वेव्स में कुछ हिला नहीं सकते, समझ गए, ये ऐसे 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 हिलता है, ठीक है। तो यार दिस इज लाइक एन ऑसिलेटरी मोशन, और इसका जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है वो होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, क्लियर है, समझ गए मेरी बात, ओके ओके ओके, SHM क्लियर है, दिस इज SHM, ठीक है, एनी मोशन विच इज टू एंड फ्रो एंड विच इज सिंपल, ठीक है। अब सिंपल क्या होता है, सिंपल की भी एक डेफिनेशन होती है, सिंपल की भी एक डेफिनेशन होती है। अब जैसे यार यहां पे फोर्स, जो रिस्टोरिंग फोर्स था वो माइनस kx था, बट ये माइनस kx क्यूब भी तो हो सकता था, माइनस kx टू द पावर 5 भी हो सकता था, ये भी तो हो सकता था, दिस कुड हैव आल्सो बीन वन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशंस, मतलब ऑसिलेटरी मोशन। अब यार माइनस के एक्स क्यूब भी वर्क करता है ना, इसमें भी एक्स पॉजिटिव होता, एक्स पॉजिटिव होता है ना, तो ये नेगेटिव आता, ठीक है, यहां पे एक्स नेगेटिव होता तो ये मतलब समझ गए ना, अगर यहां पे एक्स को, एक्स की वैल्यू नेगेटिव डाल दी तुमने, है ना, नेगेटिव डाल दी, समझ गए मेरी बात, अगर एक्स की वैल्यू नेगेटिव डाल दी तो ये नेगेटिव ही आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहां पे फोर्स आ जाएगा, मतलब अगर एक्स नेगेटिव है तो तुम्हारा फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, अगर एक्स पॉजिटिव है तो ऑटोमेटिकली ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, एफ की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, तो ये रिस्टोरिंग फोर्स है। बट अगर है ना, नाउ दिस कैन नॉट बी एन एग्जांपल, माइनस के एक्स स्क्वायर ये नहीं हो सकता है ना, दिस कैन नॉट बी ऑसिलेटरी है ना, ये क्यों नहीं हो सकता,
सारी पॉजिटिव पावर्स में पंगा है यार, क्योंकि नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देगा। क्योंकि अगर माइनस के एक्स स्क्वायर, अगर मेरा फोर्स माइनस के एक्स स्क्वायर होगा तो क्या होगा, जब एक्स पॉजिटिव है तब तो फोर्स यही लग रहा है, तब तो फोर्स यही लग रहा है, बट जैसे ही एक्स नेगेटिव होगा, जैसे ही एक्स नेगेटिव होगा तो देखो तब भी फोर्स नेगेटिव लग रहा है। तो एवरीवन प्लीज अंडरस्टैंड, तो हो जाएगा कांड, तो ये कांड नहीं कराना है, ठीक है, समझ गए मेरी बात, आई होप सबको मजा आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज किलर विजुअलाइजेशन, और यार ये बेसिकली तुम्हारे एयर मॉलिक्यूल्स भी एसएचएम करते हैं, एसएचएम करते 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 करते। तो बेसिकली होता क्या है मैं बताता हूं, एक बंदा एसएचएम करता है, एक मॉलिक्यूल है ना, मॉलिक्यूल मूव करके नहीं जाता, ऐसा नहीं कि मैं एयर तुम्हारे कान में फेंक रहा हूं, ठीक है, मैं यहां से वॉइस को डिस्टर्ब करता हूं, तो करते 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 तुम्हारा कान का एक ड्रम होता है, कान का एक ड्रम होता है, माइक, ये माइक में भी एक ड्रम है, ड्रम, ठीक है, माइक में भी एक ड्रम है, तो वो ड्रम भी वैसे वैसे रोटेट करता है, तो बेसिकली तुम परसीव करते हो कि मैं कुछ बोल रहा हूं। हो सकता है कि तुम्हारा माइक्रोफोन अलग हो और तुम शायद चिपमक साउंड, तो शायद फ्रीक्वेंसी से होता है, बट हाँ शायद तुम कुछ और सुन रहे होगे, तो एवरीवन हियर्स डिफरेंट साउंड्स, अभी तक किसी को पता नहीं और तुम बता भी नहीं सकते, ठीक है ना, समझ गए ना, तुम्हारा कान जैसा है अरिजीत सिंह तुम्हारे लिए वैसा ही है, तो हो सकता है कि, समझ गए ना मेरी बात, ओके क्लियर है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, बट जब भी तुम एक स्पीकर डिस्टर्ब करता है साउंड को, तो यार ये एयर मॉलिक्यूल्स मतलब ध्वनि ऐसे ट्रैवल करती है, ध्वनि कैसे, साउंड कैसे ट्रैवल करती है, डिस्टरबेंस से, है ना, एक से डोमिनो इफेक्ट सा होता है एक तरीके से, ठीक है। आई होप तुम्हें ये बात समझ में आ गई है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हमने ना बेसिकली अर्थ टनल, ओके, अपने इलॉन मस्क हु इज नाउ द रिचेस्ट पर्सन ऑन द प्लैनेट, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट ही इज द रिचेस्ट पर्सन ऑन द प्लैनेट, बिकॉज ही इज वर्किंग फॉर द ह्यूमन रेस, ठीक है। मैं हमेशा से इलॉन मस्क का बहुत बड़ा फैन था, है ना, एंड ट्रस्ट मी, ये मैंने कभी प्रिडिक्ट नहीं किया था, कि इलॉन मस्क इतने सक्सेसफुल हो जाएंगे, मैंने ये जरूर प्रिडिक्ट किया था कि कैरी मिराठी बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। आई टेल यू, व्हेन आई स्टार्टेड विद यूट्यूब, आई स्टिल रिमेंबर, उस टाइम पे एक केमिस्ट्री टीचर थे जो मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, है ना, मेरे प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में, तो उन्होंने मुझे कैरी मिराठी का पहला वीडियो दिखाया था, एंड ऑब्वियसली दैट टाइम आई बिकेम अ फैन ऑफ कैरी मिराठी भाई साहब, है ना, एंड दैट टाइम आई वॉज द टाइम व्हेन आई टोल्ड माई फैमिली ऑल्सो कि यार ये बंदा बहुत सक्सेसफुल होगा, क्योंकि इसकी क्वालिटी, मतलब अगेन ही हैज क्वालिटी इन हिज ह्यूमर, या जो भी है, तुम मत देखना उतना ज्यादा, है ना, तुम्हारे लिए है नहीं, ठीक है, ग्राफिक है वो थोड़ा, तो तुम्हें समझ में आ गया। तो दैट टाइम आई न्यू, बट इलॉन मस्क के बारे में आई डिड नॉट नो, बट इलॉन मस्क वाज समवन हु ऑलवेज सेड वन थिंग, दैट डोंट डू एनीथिंग इफ इट इज नॉट इंटरेस्टिंग। और बेटा हमारा काम पता है क्या है, टू मेक थिंग्स इंटरेस्टिंग, ठीक है, समझ गए मेरी बात, तो चलो उसको देखते हैं, है ना। तो यार अर्थ टनल, अब मुझे पता है कि अगर कोई इंसान अर्थ टनल पे काम कर सकता है कि तुम्हें मैं यहां से फेंकूं तो तुम यहां पे पहुंच जाओ, है ना, तुम्हें मैं यहां पे फेंकूं तो तुम यहां पे पहुंच जाओ, ऑब्वियसली बात है यार यहां पे लावा होता है तो तुम यहां से नहीं जा सकते। तो अर्थ टनल की जो बात हो रही है वो कुछ ऐसे होगा, अर्थ टनल कुछ ऐसे होंगे, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, अर्थ टनल कुछ ऐसे होंगे कि यार तुम हमेशा सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होते हो, तो तुम्हें बताओ, अब बताओ अर्थ के टनल पे क्या होगा, अब देखो ध्यान से सुनना, तुम पे एक फोर्स लगेगा mg, है ना, तो बेसिकली तुम पे एक फोर्स लगेगा, तो तुम यहां तक एक्सेलरेट करोगे, तुम यहां तक गिरोगे, तुम यहां तक एक्सेलरेट करोगे, है ना, ऑब्वियसली ग्रेविटी कम भी होती रहेगी तो एक्सेलरेशन कम होता रहेगा, यहां पर एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा क्योंकि तुम हर जगह से अट्रैक्ट हो रहे हो। उसके बाद तुम रिटार्ड करना स्टार्ट करोगे क्योंकि यू गेट अट्रैक्टेड, जब तुम यहां तक पहुंचोगे तुम्हारे पास कुछ वेलोसिटी हो जाएगी, यहां तक मैक्सिमम वेलोसिटी रीच हो गई। तो यार ऐसा नहीं कि तुम यहां पे गिर जाओगे बिल्कुल, अगर तुम्हें मैंने यहां पे रेस्ट पे छोड़ा तो तुम यहां तक एक्सेलरेट करोगे, फिर तुम यहां पे डीएक्सेलरेट करोगे क्योंकि तुम अगेन यू आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, यहां पे यू आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ना, तो बेसिकली तुम यहां तक जाओगे और ऑब्वियसली बात है बिकॉज ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन वाला फंडे, तो बेसिकली तुम यहां तक पहुंचे फिर वापस से ऐसे। क्या तुम ये चीज विजुलाइज कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो? तो बेसिकली अब एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, ये भी एसएचएम है। नमो सर ये एसएचएम कैसे है? तो यार ये एसएचएम ऐसे है, देखो सुनो समझाते हैं और इससे तुम्हारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। मैं बता रहा हूं ना, मैं कभी एज अ स्टूडेंट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता ही नहीं था। मैं इस प्रॉब्लम को, मैं यहां पे स्प्रिंग डाल देता था, अपन यार यहां पे एक स्प्रिंग डाल देते थे, तो अपन जब स्प्रिंग डाल देते थे तो प्रॉब्लम फिर एसएचएम का हो गया, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट तुम आराम से निकाल सकते हो। दिस आई विल लीव इट एज एन एक्सरसाइज फॉर यू, जब तुम एसएचएम कंप्लीट कर लोगे ना तो तुम इस के की वैल्यू निकाल लेना स्प्रिंग की, ये एसएचएम कर रहा है एंड ऑल दैट, तो तुम्हें तो बड़ा मजा आ रहा होगा, आई नो दिस, ठीक है। तो आई होप यू आर विजुअलाइजिंग दिस। तो यार इसमें पता है क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट बहुत फास्ट होता है, अगर मैं तुम्हें यहां से फेंकूं तो तुम यहां पे कुछ मिनट्स में पहुंच जाओगे, तो दैट इज हाउ फास्ट इट इज। अभी यार दिस इज फास्टर देन एनी फ्लाइट और एनीथिंग, और कोई फ्यूल भी नहीं जा रहा है यार, तुमने तो खाली गड्ढा खोदा है, तो तुम बस यहां से यहां पहुंच रहे हो, बस यू आर अज्यूमिंग कि यार यहां पे एयर फ्रिक्शन तुम कम से कम रखोगे, अगर एयर फ्रिक्शन नहीं होगा तभी तुम यहां तक पहुंचोगे, नहीं तो तुम्हें एक्सटर्नल फोर्स भी लगाने पड़ेंगे, थोड़ा फ्यूल भी जलाना पड़ेगा एंड थिंग्स लाइक दैट। अब क्या पता, मतलब अर्थ लूप्स आ जाए, हाइपर लूप्स आ जाए, हो सकता है कि तुम ऑस्ट्रेलिया से एकदम से कहीं और पहुंच गए, पता नहीं ऑस्ट्रेलिया के डायमेट्रिकली ऑपोजिट कौन सी जगह है, बट हाँ तुम समझ पा रहे हो मेरी बात, ठीक है। देन ऑल्सो यू विल ट्रेवल थ्रू लैंड अंडरग्राउंड, क्लियर है। आई होप तुम्हें बात मजेदार लगी, एंड दिस इज अ वेरी वेरी कूल कॉन्सेप्ट, एंड आई थिंक सो दे शुड ट्राई फॉर अ स्मॉलर कॉर्ड,
बड़ा कॉर्ड थोड़ा लंबा होगा, बट यार पता है मैं अपने लाइफ टाइम में इस चीज को देखना चाहता हूँ, है ना। तो आई मीन ऑब्वियसली वी कैन रिक्वेस्ट मिस्टर इलॉन मस्क और समवन लाइक हिम हु कैन एक्चुअली डू दिस, ठीक है ना। नहीं तो तुम लोग कर देना जब तुम बड़े हो जाओ, है ना। ठीक है, समझ गए मेरी बात। ओके चलो, वेरी गुड, है ना। तो इंस्पिरेशन में थोड़े क्रेडिट्स भी दे देना इफ यू गेट इंस्पायर्ड टू डू समथिंग लाइक दिस। तो यार अब समझ में आ गए ना क्या होता क्या है। तो यार ये भी एक SHM है। ये SHM क्यों है, अब तो मैं समझाता हूँ ये SHM क्यों है, क्योंकि यार ये भी बहुत ही सिमिलर है। तो मैंने बताया था ना, तो मैं देखो देखो ये जो फोर्स है ये लीनियर है, ये लीनियर इन नेचर है। माइनस के एक्स वैसे ही यार अर्थ के अंदर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, अर्थ के अंदर मैंने तुम्हें बताया था ना, अर्थ के अंदर जो ग्रेविटी होती है अंदर, है ना, अंदर ग्रेविटी होती है, तो तुम्हें पता है वो लीनियरली यहाँ पे ग्रेविटी कितनी होती है, जीरो, यहाँ पे बीच में होती है g/2, ये लीनियर होती है ना। और यार यहाँ पे कितनी होती है g, तो यार ये बहुत ही लीनियर इन नेचर होती है। तो अगर तुम्हें बेसिकली यहाँ पे एट अ डिस्टेंस x तुम्हें ये फोर्स निकालना है ना, तो यार ये फोर्स क्या होगा, ये फोर्स हो जाएगा तुम्हारा -gm/r³, है ना, इंटू एक्स, यही होता है ना, माइनस, है ना, तो इंटू एम, है ना। तो यार ये तो ग्रेविटी हो जाएगी इंटू एम, तो यार तुम्हें साफ समझ में आ गया ये भी -kx है, तो तुमने वो कांस्टेंट निकाल लिया इसका, ठीक है, इसकी स्प्रिंग का कांस्टेंट तुमने निकाल लिया, ठीक है, समझ गए मेरी बात। यहाँ पे तुम्हारा फोर्स जीरो है, ये तुम्हारी मीन पोजीशन है, ये स्प्रिंग की तुम्हारी मीन पोजीशन है, ठीक है, जहाँ पे ये सेंटर ऑफ द अर्थ हो गया, है ना, ये सेंटर ऑफ द अर्थ हो गया, ये एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ द अर्थ हो गया रेडियस, ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो यार ये तो बहुत ही सिमेट्रिक सिचुएशन है यार, सर क्या बकवास कर रहे हैं सर अपन, है ना, ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो आपको तो ये बात समझ में आ गई कि यार इसका भी फोर्स बिल्कुल वैसे ही है, तो ये भी बिल्कुल SHM ही करेगा, ठीक है, समझ गए मेरी बात। ओके, तो ऑब्वियसली इन खान GS सर स्टाइल ये ससुरा SHM करेगा। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस, बट आई हैव बिकम अ वेरी बिग फैन ऑफ दैट गाय, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। द गुड थिंग अबाउट दैट सर इज कि वो, उनको अगर नॉलेज भी नहीं होती ना तो भी वो ट्रांसमिट कर देते हैं, एक लेवल तक कर देते हैं, विच इज अ गुड थिंग, विच इज अ वेरी नाइस थिंग, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अगेन एवरीवन, उनको अनअकैडमी पे लाना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना, ठीक है, क्लियर है। तो टंग, तो आई एम वर्किंग ऑन दिस बेटा, जो भी आपके सारे टॉप एजुकेटर्स ऑफ द कंट्री है ना, ऑफ द ग्लोब है, वो एक, मतलब दैट इज माई ड्रीम कि वो अनअकैडमी पे आ जाए एंड इट बिकम्स अफोर्डेबल फॉर एवरीवन, ठीक है, इसको फैला देना, ठीक है। उसके अलावा अब यार ये भी एक अच्छा एग्जांपल है, इसका तो क्वेश्चन करा देंगे, जिसमें अगर तुमने इसको थोड़ा सा नीचे किया तो ये टंग करता रहेगा, तो दैट मींस इसकी जो फ्री सर्फेस का जो एंड है ना, ये SHM कर रहा है। इसको थोड़ा ध्यान से देखो, ये लाइन को ध्यान से देखो, ये SHM कर रहा होता है। इसमें भी एक अजम्पशन होता है कि तुम बहुत ज्यादा इसको डिस्टर्ब नहीं करते, अगर तुम थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हो तो SHM करता है, ठीक है ना। वैसे ही अब यार तुम्हें एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, वैसे ही, अरे कहां गया वो, अरे वो, हाँ रुको, पेंडुलम इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ SHM, है ना। पेंडुलम का टाइम पीरियड भी हम SHM से ही निकालेंगे। जैसे आप तुम बोलोगे सर क्या ये SHM है, सर ये तो SHM नहीं है, ये तो ऐसे 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 कर रहा है, है ना ये SHM है ना, ठीक है, अगर ये थोड़ा सा डिस्टर्ब किया है। तो इसमें भी यही कहते हैं कि अगर ये थोड़ा सा डिस्टर्ब करोगे इसको, थोड़ा सा, बहुत छोटा थीटा, डी थीटा, है ना, तो ये SHM होता है, ठीक है। उसी से 2π√L/g पता है फॉर्मुला आता है, इट इज नॉट फॉर अ वेरी बिग एंगल, इट इज फॉर अ वेरी स्मॉल एंगल। तो उसमें ये इतना छोटा इतना ऐसे ऐसे से SHM करता है। तो यार बेसिकली इतनी सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, बड़ा ही मजा आने वाला है, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो यार अब आती है असली बात कि SHM को पढ़ना ना उतना आसान नहीं होता, ठीक है। उसके प्रॉब्लम्स का अगर तुम बुकिश सॉल्यूशन देखोगे ना, मेरा कोई भी सॉल्यूशन ना बुकिश सॉल्यूशन से मैच ही नहीं करेगा, तुम मान ही नहीं सकते। तुम्हें ऐसा सॉल्यूशन मिल जाए तो तुम मुझे बता देना, वन डॉट होगा मत देखना। बट यार इसमें क्या होता है, इसमें सिंपल सी बात होती है कि तुम ना ये बेसिकली SHM की ना शादी कराते हो UCM से। UCM इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। ये बेसिकली एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है जो ओमेगा कांस्टेंट ओमेगा से ये ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है। अगर मैं इसकी शैडो देखूं, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, अगर मैं इस चीज की शैडो देखूं बेटा, ध्यान से देखना, अगर मैं इस चीज की ऐसे 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 शैडो देखूं, ठीक है, तो इसकी शैडो SHM करेगी, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। इसकी शैडो, अगर यार यहां पर एक स्क्रीन होती, तो इसकी जो शैडो है ना वो SHM कर रही होती है। अभी इसकी शैडो यहाँ पे है, अभी इसकी शैडो थोड़ी यहाँ पे आ गई, अभी इसकी शैडो यहाँ पे आ गई, अभी नीचे है, नीचे ऐसे शैडो ऐसे ऐसे करेगी। विजुलाइज कर लो, इसकी शैडो SHM करेगी, है ना। और इसकी शैडो पे ही हमेशा ये है, ये भाई साहब इसकी शैडो पे ही है। क्या तुमने इसको विजुलाइज कभी किया है? नहीं किया तो थोड़ा ट्राई करते हैं आज हम, है ना। तो यार उसके लिए ना मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ना थोड़े से कारनामे करने होंगे यहाँ पे, तो बेयर विथ मी, थोड़े कारनामे करने होंगे। तो यार ये हमारा SHM वाला भाई साहब है, ठीक है, ये SHM वाला भाई साहब है, ठीक है। सो एवरीवन प्लीज सी दिस, ये तो परफेक्ट SHM है, ऐसे 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 हो रहा है, ठीक है। बट
क्या हम इस चीज को देख सकते हैं, क्या इस चीज को हम विजुलाइज कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है क्या? नमो सर, इज इट पॉसिबल? तो लेट मी सी यार, मेरे सामने एक लाइट है, ठीक है, इस लाइट को बंद करते हैं और इस लाइट को ऑन करते हैं। अब तुम मुझे देख नहीं सकते, ठीक है, अब तुम मुझे देख नहीं सकते, तो यार एक काम करता हूं, मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कराता हूं इस चीज से, ठीक है, इस चीज से। अब तुम ये देख नहीं पा रहे हो, रुको एक मिनट, लेट मी ट्राई कि तुम इस शेडो को देख पाओ या नहीं देख पाए, पाओ इसको ट्राई करते हैं। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर तुम इसकी शेडो देखो, ठीक है, अगर तुम इसकी शेडो देखो, खाली स्क्रीन पे, स्क्रीन पे शेडो देखोगे तो वो शेडो SHM कर रही होगी, या अगर तुम इसको खाली है ना 3D में नहीं देख रहे हो तो तुम बेसिकली तुम इसको ऐसे देखो, खाली इसको, खाली 1D में सोचो, इसको 1D में सोचो, हाँ ऐसे देख लो इसको 1D में सोचो, क्या ये ऊपर नीचे हो रहा है इसको? तुम्हें अब मैं तुम्हें ऐसे नहीं दिखा रहा, मैं तुम्हें ऐसे दिखाऊंगा तो तुम्हें दिख जाएगा कि यार ये तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। बट अगर मैं तुम्हें इसको साइड से दिखाऊं, ठीक है, मैं इसको बिल्कुल परफेक्टली साइड से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या तुम्हें वो SHM दिख रहा है? तो तुम्हें मुझे, हाँ ऑब्वियसली बात है यार, तुम तो 2D डिवाइसेस पे देख रहे हो तो एक तरीके से SHM है, बट हाँ बिल्कुल परफेक्टली नहीं कर पा रहा मैं इसको, हाँ बट हाँ तुम समझ गए, तुम समझ गए बहुत अच्छी तरीके से। तो यार इनकी जो शादी होती है ना, इससे तुम हर एक सवाल कर सकते हो और बहुत ही सिंपल कर सकते हो इसको, ठीक है। तो चलो शैडो की जरूरत नहीं है, वी यूज टेक्नोलॉजी, तो हम नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गए हैं, ठीक है। इज दिस क्लियर? हाँ या ना बोलो, और हार्ट्स आते रहने चाहिए और इसको शेयर करते रहो, शेयर करते रहो विद द हैशटैग द वर्ल्ड शुड नो दिस हैशटैग JEE Live Daily हैशटैग सारा इंडिया पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, चलो है ना, और SHM करेगा, ठीक है। सो नाउ लेट्स SHM मोर, कुछ बेसिक बेसिक चीजें जो मुझे तुम्हें बतानी भी नहीं चाहिए बट बता देते हैं। मान के चलते हैं कि यार हमारे साथ ना वैशाखनंदन बैठे हैं, वैशाखनंदन मतलब गधा संस्कृत में गधा होता है, ठीक है, समझ गए मेरी बात, ओके। संस्कृत में हर चीज बहुत प्यारी लगती है, जैसे कुत्ते को श्वान बोलते हैं, ठीक है, और गधे को वैशाखनंदन बोलते हैं, ठीक है। तो अज्यूमिंग दैट वी आर ऑल वैशाखनंदन, है ना, तो पीरियोडिक मोशन क्या होता है, जो एक पीरियड के बाद, है ना, लेट्स से दैट पीरियड इज वन सेकेंड, हर सेकेंड के बाद टंग 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 होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है ना, इट इज रिपीटिंग इट सेल्फ। एनी मोशन विच रिपीट्स इट सेल्फ पीरियोडिकली, है ना, पीरियोडिकली इज पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिकली मतलब एक पीरियड में, दैट पीरियड कैन बी वन सेकेंड, दैट कैन बी टू सेकेंड, इट इज पीरियोडिक मोशन, ठीक है। अब जैसे कि अब यार ये एक पीरियोडिक मोशन है, ठीक है, पीरियोडिक मोशन जैसे कि टंग 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 टंग, पीरियोडिक मोशन हो गया ना, पीरियोडिक मोशन हो गया, ठीक है, समझ गए मेरी बात, है ना, ये एक अजीब सा पीरियोडिक मोशन, मैं पीरियोडिकली ऐसे ऐसे तेरे को परेशान कर रहा हूँ ना, तेरे सर पे लग रही है, ठीक है, दिस इज पीरियोडिक मोशन, ठीक है, समझ गए मेरी बात, ओके। इट कैन बी एनीथिंग, इट मे बी टू एंड फ्रो, इट माइट नॉट बी टू एंड फ्रो, ठीक है, समझ गए, बट इट इज पीरियोडिक इन नेचर, अ मोशन विच कीप्स रिपीटिंग इट सेल्फ कंटिन्यूसली, है ना, आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम, आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम विच इज द पीरियड, है ना, द स्पेसिफिक टाइम इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ मोशन, ठीक है, इट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ मोशन, ठीक है, इफ, है ना, तो बेसिकली इसका मतलब यह है कि 2 seconds के बाद रिपीट्स आफ्टर एवरी 2 seconds, रिपीट्स आफ्टर एवरी 2 seconds, लेट्स से, ठीक है, रिपीट्स आफ्टर एवरी 2 seconds, लेट्स से, ठीक है, समझ गए मेरी बात। और सिंपल पेंडुलम का तो तुम्हारा, तुम देख लेना, मैंने कभी रटा नहीं था, तो है ना 1 second 2 second जो भी होता है, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी तुमने क्या पढ़ रखा है, तुमने क्या पढ़ रखा है फ्रीक्वेंसी, अभी मैं बताता हूं तुमने क्या पढ़ रखा है, अगर तुमने नहीं पढ़ा होगा तो तुम्हारा रिवाइज भी हो जाएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय एफ और न्यू, ठीक है, ये नया नया पढ़ रहे हो, उसको न्यू ही कहते हैं, NU, ठीक है, न्यू कहते हैं इसको, न्यू, ठीक है ना, समझ गए मेरे को मेरी बात। सो दिस इज फ्रीक्वेंसी एफ और न्यू, तो न्यू क्या होता है, 1 by time period, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज 1 by time period, और अगर ये इन सेकेंड है तो यार ये इन हर्ट्स होता है, ठीक है, समझ गए मेरी बात, ये फ्रीक्वेंसी हर्ट्स में होती है या साइकिल्स पर सेकेंड, 1 hertz is 1 cycle per second, इसका मतलब क्या है, अब देखो इन सबका टाइम पीरियड सेम है, मतलब फ्रीक्वेंसी सेम है, टाइम पीरियड सेम है तो फ्रीक्वेंसी सेम है, देखो इन पेंडुलम, ये तीनों पेंडुलम की, है ना, तीनों पेंडुलम का एम्पलीट्यूड अलग अलग है, बट एक साथ दोनों सबके सब यहाँ पे पहुंचते हैं, एक साथ अपने मैक्सिमम पे पहुंचते हैं, एक साथ मेन पोजिशन पे वापस आते हैं, तो इन तीनों पेंडुलम का टाइम पीरियड सेम है, इनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, समझ गए ना मेरी बात, है ना, समझ गए मेरी बात। अब जैसे कि अगर एक पेंडुलम हो रहा है टंग 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 टंग, है ना, तो बेसिकली 1 second में अगर ये 10 बार ऐसे टंग 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 10 cycle कर लेता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 10, मतलब 1 second में 10 बार अपना मोशन रिपीट कर लेता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी हाफ भी हो सकती है, क्योंकि अगर लेट्स से 1 second में आधी साइकिल ही हुई तो फ्रीक्वेंसी हाफ हो गई, समझ गए मेरी बात, कितना फ्रीक्वेंट है, ज्यादा फ्रीक्वेंट है तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी, तुम किसी के घर बार बार जाते हो, अरे बहुत फ्रीक्वेंटली है ना, तो बेसिकली तुम्हारा रिस्पेक्ट भी थोड़ा कम हो जाता है, तो समझ गए ना मेरी बात, फ्रीक्वेंसी को कम रखना चाहिए, ठीक है, क्लियर है, फ्रीक्वेंसी है ना, हाँ पढ़ाई की फ्रीक्वेंसी को ज्यादा रखना चाहिए, ठीक है, इज दिस क्लियर, इज दिस एब्सोल्युटली क्लियर, ठीक है, ओके, मतलब इतनी, हाँ समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अब ऑसिलेशन की बात करते हैं, अब यार ऑसिलेशन इज अ स्पेशल केस, है ना, ऑसिलेशन इज अ
स्पेशल केस ऑफ पीरियोडिक मोशन। ऑसिलेशन टू एंड फ्रो वाला पीरियोडिक मोशन होता है, ठीक है, इट इज अ पीरियोडिक मोशन जिसमें टू एंड फ्रो वाली चीजें हो जाती है, ठीक है। अ पीरियोडिक मोशन इन विच द पार्टिकल मूव्स टू एंड फ्रो, आगे पीछे टू एंड फ्रो अबाउट अ फिक्स पोजिशन, सॉरी अबाउट अ फिक्स पॉइंट विच इज नोन एज द मीन पोजिशन ऑफ ऑसिलेशन। SHM में जैसे ये मीन पोजिशन हो गई, टंग 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 टंग, इसके अबाउट ये टू एंड फ्रो करता है, इसके आगे पीछे मंडराता है, ठीक है, समझ गए मेरी बात, दैट इज द मीन पोजिशन। ओके, मीन पोजिशन इज नॉट योर मीन गर्लफ्रेंड जिसके अबाउट तुम टू एंड फ्रो करते हो, ठीक है। मीन पोजिशन जैसे कि अब ये मीन पोजिशन हो गई है ना, इसकी फोर्स बैलेंस पोजिशन, ठीक है, अब इसको ध्यान से देखना, ये इसकी मीन पोजिशन हो गई, अब तुमने इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, तो इसकी मीन पोजिशन के अबाउट टू एंड फ्रो कर रहा है, टू एंड फ्रो कर रहा है, आपको ये बात समझ में आ रही है। तो ये इसकी मीन पोजिशन हो गई, इसके अबाउट ये टू एंड फ्रो कर रहा है, ऐसे ऐसे देखो, ऐसे ऐसे ये टू एंड फ्रो कर रहा है, ठीक है, इज दिस एब्सोल्युटली क्लियर। चलो, और हार्ट्स आते रहने चाहिए और लाइक करते रहो, और एवरीवन आज इंस्टा स्टोरी पे तुम बेसिकली इसको पूरा शेयर कर देना, है ना, विद द हैशटैग जेई लाइव डेली, विद द हैशटैग किलर विजुअलाइजेशन, विद द हैशटैग सारा इंडिया पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, ठीक है, इसको शेयर करते रहना जो भी आपको पार्ट अच्छा लगे, एंड लेट एवरीवन, लेट द वर्ल्ड नो दिस, आगे बढ़ते हैं, है ना, मजा आ रहा होगा तुम लोगों को। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी वेरिएशंस इन ऑसिलेशन। अब मैं देखो बहुत इंटरेस्टिंग रखने वाला हूं, है ना, इसमें क्या होता है, इसमें बहुत ही सिंपल है यार, बहुत ही ज्यादा सिंपल है एक्चुअली, है ना, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में स्प्रिंग का एग्जांपल ले ले यार, है ना, तो इसका क्या इसका एग्जांपल ले ले, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अभी यार ये भी एक मोशन है ऐसा, तो यार इसमें तुम बताओ यहां पे मीन पोजीशन पे क्या हो रहा है, मीन पोजीशन पे कम से कम पोटेंशियल एनर्जी है, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, ठीक है, देखो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है यहां पे मीन पोजीशन पे जीरो हो जाती है, और यहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, यहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है और काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है, समझ में आ गई मेरी बात, और पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है, तो ये बात तो समझ में आ गई ना, एनर्जी अपना फॉर्म चेंज कर ली है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी अपना फॉर्म चेंज कर ली है कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहे, ठीक है, कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहे। अब यार इस केस में देखो, है थोड़ा विजुलाइज कर लो इसको, डिटेल में करेंगे आते वाले टाइम में, ठीक है, आज की क्लास में नहीं करेंगे, आज की क्लास में इक्वेशन पढ़ेंगे SHM का इक्वेशन, ठीक है। अब देखो जल्दी से, अब यार जब ये यहां पे पहुंचती है, जब एवरीवन प्लीज सी, जब ये यहां पे पहुंचती है, ये जो पार्टिकल है ना मेन पोजीशन पे, ये मेन पोजीशन पे जब है तो इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है, ठीक है। अब यार तुम इस पॉइंट की बात कर रहे हो, ये जो पॉइंट है ना, ये SHM कर रहा है, ठीक है, इस बड़े से उसको मत देखो, ये बहुत वैसा है, ये पॉइंट मास है एक्चुअली, तो इस पॉइंट को देखो, ये मेन पोजीशन कर रहा है। तो जब ये पॉइंट यहां पे, तो यहां पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है ना यहां पे, क्योंकि यहां पे सारी की सारी स्प्रिंग एनर्जी, ये नेचुरल लेंथ है, तो यार यहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, है ना, देखो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, इसमें पोटेंशियल एनर्जी ये है लाल वाला, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई, ठीक है, और यार यहां पे मैक्सिमम, जहां पे एक्स मैक्सिमम है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई, ठीक है, समझ गए मेरी बात, ओके ग्रेट। तो यार जब मैंने इस केस में भी तुम्हें दिखा सकता हूं, तो देखो इस केस में ये तुम्हारी मेन पोजीशन है, ठीक है, ये तुम्हारी मेन पोजीशन है, और मेन पोजीशन से अगर तुम नीचे करते हो, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होती है, ठीक है, फिर यार यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, फिर यार यहाँ पे वेलोसिटी मिनिमम होती है, ठीक है, समझ गए, रुक जाता है, फिर वापस से नीचे आता है, ऐसे 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 होता है, तो यार यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, तो मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। अब तुम बेसिकली बोलोगे सर पोटेंशियल एनर्जी, अब पोटेंशियल एनर्जी में तुम्हें स्प्रिंग की भी एनर्जी लेनी पड़ेगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी, ठीक है, तो बेटर होता है कि हम हमेशा SHM को इस प्लेन पे देखें, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, वैसे वर्टिकल प्लेन पे भी करता है, ये करेंगे डिस्कस, वर्टिकल प्लेन और उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बस इलॉन्गेशन थोड़ा ज्यादा हो जाता है इसमें, ठीक है, दैट्स इट, ओके। आई होप तुम्हें ये बात समझ में आ गई है, आई होप यू आर एबल टू रिलेट टू व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है, आई होप तुम्हें ये बात समझ में आ गई है, नहीं आई है तो अब आ जाएगी, ठीक है, नहीं आई है तो अब आ जाएगी। अब यार ये एक SHM हो रहा है, कभी भी SHM को विजुलाइज करना, ये इमेज तुम्हारे माइंड में आ जानी चाहिए, ये SHM है, ये इसका फोर्स है ना, जो हमेशा रिस्टोरिंग फोर्स है, जो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, टुवर्ड्स द मेन पोजीशन लग रहा है, देखो ये फोर्स है ना, तो बेसिकली अब तुम देखो, है ना, जब ये ऐसे 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 हो रहा है तो दो एनर्जीज तुम्हारे माइंड में है, एक है तुम्हारे पास, है ना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, और एक है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है, ठीक है, इसमें तुम्हें ये स्प्रिंग में एनर्जी है, ठीक है, तो अब तुम मुझे एक चीज बताओ यार, क्या तुम मुझे ये चीज समझ पा रहे हो, स्प्रिंग मैक्सिमम यहां पे नेचुरल लेंथ पे है स्प्रिंग, तो यार यहां पे मिनिमम,
बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, आई एम अज्यूमिंग कि एक टेबल पे भी पड़ा है, चलो इसको अज्यूम कर लो कि यार ये एक टेबल पे भी पड़ा है, ठीक है, ये एक टेबल पे भी पड़ा है, तो बेसिकली इसकी कुछ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ना, इसकी कुछ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये है ना, यू मिनिमम है ना, तो बेसिकली लेट्स से दिस इज द डैटम लेवल, ठीक है, इसको तुमने बोल दिया जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल, तो इसके पास कुछ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ना, तो बेसिकली दिस ये जीरो लेवल है, तो यार ये तो रहेगी रहेगी, नहीं तो ये ऐसे हो जाता, अगर ये डैटम लेवल होता तो ये ऐसे हो जाता, ठीक है, समझ गए मेरी बात, तो यार इस ग्राफ को तुम समझ गए, ये ग्राफ है नहीं वैसे, तुम बाद में फिर से आएगा, ये वापस फिर से आएगा, ये बड़ा है ना मंगता ग्राफ है, फिर से आएगा, ठीक है, समझ गए मेरी बात, तो यार यहाँ पे नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग एनर्जी जीरो है, और उसके बाद स्प्रिंग फिर यहाँ पे भी बढ़ रही है कम हो रही है, यहाँ पे भी बढ़ रही है कम हो रही है ना, समझ गए मेरी बात, बहुत ही सिंपल है यार, है ना, बहुत ही, ठीक है, और अब किसी भी SHM में, किसी भी SHM में इसको मीन पोजीशन कहते हैं, इसको एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं, ये एक्सट्रीम पोजीशन है ए एम्पलीट्यूड, ये एक्सट्रीम पोजीशन है एम्पलीट्यूड, तो बेसिकली ये SHM होता है एक अरीना में, ये SHM का अरीना है, अरीना मतलब ये जगह है जहां पे SHM हो रहा है, अखाड़ा जहां पे SHM हो रहा है, ये टंग 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 ऐसे हो रहा है, तो बेसिकली यार ये तुम्हारा मीन पोजीशन है, ठीक है, ये तुम्हारा मीन पोजीशन है जहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, क्योंकि सारी स्प्रिंग की एनर्जी काइनेटिक में आ गई, फिर यार यहां पे ये रुक जाता है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है यहां पे, ठीक है, और सारी की सारी एनर्जी स्प्रिंग में चली जाती है, तो टंग 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 ऐसा होता रहता है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है, ये दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन है, क्या ये बात आपको समझ में आ गई है, ठीक है, इसीलिए इसको हाँ, करेंगे करेंगे डिस्कस करेंगे, सारी चीजों को डिस्कस करेंगे और तुम्हें बताएंगे बड़े प्यार से, ठीक है, बड़े प्यार से, अभी बस इस ग्राफ को समझ लो, है ना, इसको देख के समझ लो, बाद में इस ग्राफ पे वापस आएंगे अपन, ठीक है, ये बात की बातें हैं, ठीक है, समझ गए मेरी बात, ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, है ना, और तुम देख पा रहे हो रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन लगता है, जब ये यहां आता है तो रिस्टोरिंग फोर्स ऐसे लगता है, जब ये यहां पहुंचता है तो रिस्टोरिंग फोर्स यहां पे लगता है, ग्राफ को हमने पढ़ लिया है, ये यू मिनिमम क्यों है सर, शायद एक टेबल पे पड़ा है, शायद एक टेबल पे पड़ा है, ठीक है, टेबल पे पड़ा है मतलब यार ये यहां पे कुछ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विच इज यू मिनिमम, ठीक है, चलो यू मिनिमम, तो बेसिकली अब ये अब क्या समझ में आ रहा है तुम्हें, क्या कि जब इसकी यहां पे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है तो समझ गए तुम, है ना, यू अंडरस्टूड दिस, वेरी वेरी सिंपल, क्लियर है, ओके, तो यार ये मीन पोजीशन वाला फंडा समझ गया, मीन पोजीशन के अबाउट यहां पे बढ़ती है, यहां पे फिर से बढ़ती है स्प्रिंग की एनर्जी, तो इसलिए ये ग्राफ ऐसा होता है, प्याले की तरह ऐसा होता है, ठीक है, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यार SHM जब भी होता है ना, ये x में SHM हो रहा है तो मैं लिख देता हूं x इज इक्वल टू जीरो, है ना, ये आपकी मीन पोजीशन है, इसको मैं बोल देता हूं x इज इक्वल टू प्लस है, ये आपकी पॉजिटिव पोजीशन है, ठीक है, समझ गए मेरी बात, ये x इज इक्वल टू जीरो कर दिया, ठीक है, x एक्सिस पे हो रहा है SHM, और मैंने इसको x इज इक्वल टू प्लस ए कर दिया, इसको मैंने x इज इक्वल टू माइनस ए कर दिया, ठीक है, माइनस ए कर दिया, ये देखो यहां पे, ये इस पॉइंट की बात हो रही है, ये पॉइंट की, ठीक है, समझ गए, ये वाले पॉइंट की बात हो रही है, ये काले वाले पॉइंट की, ये SHM कर रहा है, ठीक है, समझ गए मेरी बात, ओके, तो यार ये तुम्हारा x इज इक्वल्स टू माइनस ए है, ये तुम्हारा x इज इक्वल्स टू ए है, ये x इज इक्वल्स टू जीरो है, तो x इज इक्वल्स टू जीरो पे क्योंकि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो गई है स्प्रिंग की, है ना, बट यार यहां पे u मिनिमम क्यों है, क्योंकि मान लो तुम एक लेवल पे पड़ा है यार, जो भी है, एग्जांपल भी समझ सकते हो, इसके एग्जांपल में ऑब्वियसली इसमें तो स्प्रिंग एनर्जी, ये नेचुरल लेंथ पे थोड़ी है, mg is equal to kx, यहां पे फोर्स बैलेंस्ड है, मतलब ये थोड़ा एलोंगेटेड पहले से है, तो इसमें ऑलरेडी कुछ एनर्जी इनिशियली है, तो एनीवेज ये एग्जांपल तुम्हें ज्यादा ही कंफ्यूज कर देगा, बेटर एग्जांपल ये वाला है, ठीक है, और विद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, समझ जाओ तो तुम समझदार हो ही, ठीक है, ये बात तुम्हें अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा तो तुमने बेसिकली मेरा एनर्जी विजुअलाइजेशन वाला वर्क एनर्जी पावर मिस कर दिया, तो उसको जरूर देख लेना जाके प्लेलिस्ट में, है ना, चलो टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन, अब ऑसिलेशन तीन टाइप के होते हैं, एक होते हैं फ्री ऑसिलेशन जो होते रहेंगे होते रहेंगे होते रहेंगे होते रहेंगे, कोई लॉस नहीं है, बिल्कुल फेरी लैंड में हो तुम, है ना, हो जा रहा है, हो जा रहा है, हो जा रहा है, हो जा रहा है, हो जा रहा है ना, सो दैट इज योर फ्री ऑसिलेशन, ठीक है, फ्री ऑसिलेशन जो होता जा रहा है, कोई एयर फ्रिक्शन नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन ऑफ द हिंज नहीं है, कोई एनर्जी लॉस नहीं है, होता जा रहा है, एक है डैम्प्ड ऑसिलेशन जो कि एक्चुअली प्रैक्टिकल है, जब देखो ये प्रैक्टिकल है, असल में क्या होता है, चीजें रुक जाती हैं, डैम्प हो जाती है, क्यों होती है डैम्प, है ना, क्योंकि शायद कुछ एनर्जी लॉस हो गई, है ना, यहां पे आवाज हो रही है कुछ, है ना, तो एनर्जी लॉस हो गई, आवाज हो रही है, सुनाई दे रही है मुझे, है ना, कुछ हीट लॉस हो गया, कुछ हो गया, तो बेसिकली नाउ दिस इज अ डैम्प्ड ऑसिलेशन, देखो ये डैम्प होगा, धीरे धीरे डैम्प होता रहेगा, डैम्प होता रहेगा, थोड़ा डैम्प डैम्पनिंग हो गई, इसका एम्पलीट्यूड कम हो रहा है ना, देखो अब इतना नहीं जा रहा, थोड़ी देर के बाद ये रुक भी जाएगा, दिस इज डैम्प्ड ऑसिलेशन, है ना, ये प्रैक्टिकल लाइफ में ये होता है, वैसे थोड़ा हिल भी रहा है, ठीक है, एंड दिस इज फोर्स्ड ऑसिलेशन, कि यार तुम इस ऑसिलेशन को कराए जा रहे हो विद द हेल्प ऑफ अ मोटर, ठीक है, यहां पे तुम इसकी फ्रीक्वेंसी को भी बढ़ा रहे हो, है ना, अब नाउ दिस इज अ फोर्स्ड ऑसिलेशन, कि यार पहले ऐसे हो रहा है, अब मैं इसको और ऐसे ऐसे कर रहा हूं, दिस इज अ फोर्स्ड ऑसिलेशन, ठीक है, जहां पे तुम किसी चीज को फोर्स करते हो ऑसिलेट करने के लिए, ठीक है, आई होप तुम्हें ये बात समझ में आ गई है,
ओके अब बात करते हैं फ्री ऑसिलेशन की। ये जनरली वैक्यूम में होता है, वैक्यूम में होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, फॉर एवर होता रहेगा होता रहेगा, नो एनर्जी लॉस। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फ्री ऑसिलेशन। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। देखो पहले पेंडुलम यहां तक गया, फिर ये यहां तक ही गया, फिर ये यहां तक ही गया, ठीक है। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं इसके मोशन को, ये बहुत ही प्यारा सा होगा। पहले ये यहां से स्टार्ट हुआ, फिर ये यहीं तक गया, है ना। फिर ये जब वापस आएगा तो ये यहां तक नहीं आएगा, ये यहीं तक आएगा। फिर ये वापस आएगा तो यार ये यहां तक भी नहीं जाएगा, ये यहीं तक वापस आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे, ठीक है, और ऐसे ऐसे। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन, ठीक है। अगर इसने यहां से स्टार्ट किया तो ये यहां तक नहीं पहुंचेगा। फिर ये यहां से स्टार्ट कर रहा है तो फिर ये लेट्स से दिस इज 60 डिग्रीज, तो ये खाली 50 डिग्रीज तक जाएगा। ये 60 ये इसने कवर किया, फिर 50 ही गया, समथिंग लाइक दिस। समझ गए हो तुम, है ना, यू अंडरस्टूड दिस। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन, ठीक है। इसमें तुम्हें दिख रहा है कि एम्पलीट्यूड कैसे 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 डैम्प हो रहा है, ठीक है। इट हैपेंस बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन और समथिंग, जहां पे एनर्जी लॉस होता है। जैसे कि एयर में तुम ये करा रहे हो, पानी में तुम ये करा रहे हो, तुम्हें समझ में आ गया है, आगे बढ़ते हैं। दिस इज डैम्प्ड ऑसिलेशन। इसके कई सारे सवाल तुम्हारे जेई में भी आए हैं और बहुत आसानी से हमने करे भी थे लास्ट क्लास के लास्ट स्प्रिंट में, वो जरूर देख लेना। जेई के सवाल कराए थे उसमें डैम्प्ड ऑसिलेशन के। फोर्स्ड ऑसिलेशन, डैम्पिंग इज कॉम्पनसेटेड बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, डैम्पिंग इज कॉन्सेंट। हाँ अब देखो इसमें तो यार इसमें तो तुम्हारा एम्पलीट्यूड बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मोटर लगा रखी है ना तुमने, तुमने एक एक्सटर्नल मोटर लगा रखी है जो तुम्हें हेल्प कर रही है इसमें, ठीक है ना। तुमने एक एक्सटर्नल फोर्स दे रखा है, इसीलिए से कहते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन। तुमने एक एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल पार्टी का मदद ले रहे हो तुम इसमें। इज दिस क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन पे। वॉट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन? और हमें खाली सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ना है बच्चों, हमें हार्मोनिक मोशन पढ़ना ही नहीं है, मतलब हमें सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ हार्मोनिक मोशन पढ़ना है, जिसमें इक्वेशन होती है जो तुम्हारा रिस्टोरिंग फोर्स होता है ना। इट्स ऑलवेज अ टू एंड फ्रो मोशन, मतलब एक रिस्टोरिंग फोर्स है, एक ऐसा फोर्स है जो एक स्टेबल इक्विलिब्रियम में तुम्हें रख रहा है ना। तो बेसिकली अगर तुम मेन पोजीशन से दूर जाते हो तो फोर्स ऐसे लगता है, देखो ये फोर्स है तुम्हारा, हमेशा मेन पोजीशन घर की तरफ फोर्स, ठीक है। तुम घर से दूर जाते हो, घर वापस से तुम्हें बुला लेता है, फिर तुम और दूर जाते हो, घर वापस से तुम्हें वापस बुला लेता है। तो यार ये तुम्हारा माँ का प्यार है, तुम्हारे पापा क्या प्यार है, ठीक है ना, जो तुम्हें हमेशा उनकी तरफ खींच लेता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो यार ये एक स्टेबल इक्विलिब्रियम है, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है, समझ गए मेरी बात, है ना। इसमें धोखा नहीं हो सकता कि खाई से फेंक दिया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता, है ना। इट इज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा ऐसे लगता है। बट ये फोर्स माइनस के एक्स क्यूब भी हो सकता था, वो भी एक हार्मोनिक मोशन होता, बट वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होता। सो नाउ दिस इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर फोर्स होता माइनस के एक्स क्यूब, मैंने तुम्हें बताया था ना एक्स की पार एक्स स्क्वायर क्यों नहीं चलेगा, समझ गए ना मेरी बात। सो दिस इज ऑल्सो अ हार्मोनिक मोशन, बट नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन, दिस इज ऑल्सो अ हार्मोनिक मोशन, ये भी एक हार्मोनिक मोशन है ना। दिस इज अ हार्मोनिक मोशन, बट दिस इज सिंपल वन, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। कुछ और एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, ये के एक्स की पावर 5, ठीक है। तो बेसिकली ये तुम्हारे हार्मोनिक मोशन है, बट ये सबसे सिंपल फॉर्म है हार्मोनिक मोशन का। तो बेसिकली मैं ये बोल सकता हूँ ना, तो मैं ये बोल सकता हूँ तुम्हारा हार्मोनिक इक्वेशन, हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन क्या होती है? हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन होती है माइनस के एक्स की पावर एन, माइनस के एक्स की पावर एन, वेर एन इज एन ऑड नंबर। और यार ये तुम्हारा SHM वाला केस होता है, ये तुम्हारे बहुत सारे हार्मोनिक मोशन हो सकते हैं, बट जब एन वन होता है तो उसको SHM कहते हैं, उसको SHM कहते हैं, ठीक है। फिर से मैं तुम्हें समझा देता हूँ, यार ये ऑड ही क्यों लेते हैं ये तुम्हें समझ में आ गया ना। जैसे अगर मैं तुम्हारा x इज इक्वल टू जीरो की बात करूंगा, है ना, ये तुम्हारी मेन पोजीशन है, दिस इज हार्मोनिक मोशन अबाउट दिस x, ठीक है। अगर ये x इज इक्वल टू जीरो ये तुम्हारी मेन पोजीशन है, तो बेसिकली अगर मैंने x को यहां रखा, ठीक है, तो यार लेट्स से x इज इक्वल्स टू है ना सम पॉजिटिव नंबर, प्लस 3 ले लो उसको, है ना, प्लस 3 ले लो। और यार यहां पे लेट्स से x इज इक्वल्स टू माइनस 2, है ना, लेट्स से x इज इक्वल्स टू माइनस 2, है ना। और तुम्हारा एग्जांपल क्या है फोर्स का? लेट्स से फोर्स इज माइनस के एक्स की पावर 5, है ना, x की पावर 5। अब तुमने लिया माइनस के एक्स की पावर 5, ले लो यहां पे, है ना, माइनस के एक्स की पावर 5। तो यार ये भी एक हार्मोनिक मोशन है, बट ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है उस हार्मोनिक मोशन का। तो यार बताओ जल्दी से यहाँ पे फोर्स क्या होगा? यहाँ पे अगर तुम फोर्स निकालना चाहते हो, यहाँ पे फोर्स क्या आ जाएगा? माइनस के, है ना, के इज अ कांस्टेंट, के इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, है ना, के इज पॉजिटिव, ठीक है, के इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, ठीक है, पॉजिटिव कांस्टेंट लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यार आप देखो माइनस के, और यार यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2 की पावर 5, माइनस 2 की पावर 5। तो बेटा फोर्स तुम्हारा पॉजिटिव आया ना, 2 की पावर 5 क्या होगा? 32। तो यार ये कितना हो गया? फोर्स तुम्हारा हो गया माइनस प्लस 32 के,
है ना, तो तुम्हारा फोर्स यार यहाँ पे हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा 32 kN पॉजिटिव, मीन पोजीशन के अबाउट ही है। तो अगर एक्स नेगेटिव है तो फोर्स यहाँ पे लग रहा है, अब एक्स पॉजिटिव है तो ऑटोमेटिकली दिख रहा है यार तुम्हारा फोर्स यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, है ना। अब अगर यार यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ यार यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा, लेट्स कॉल दिस फोर्स एज एफ वन, है ना, लेट्स कॉल दिस फोर्स एज एफ टू। एफ टू क्या हो जाएगा, एफ टू हो जाएगा तुम्हारा के इंटू थ्री की पावर फाइव, ठीक है, के इंटू थ्री की पावर फाइव, समझ में आ गया है ना। तो यार ये हो जाएगा तुम्हारा 3 की पावर 5 kN, समझ गए ना, ये यहाँ पे लग रहा है। तो यार ये भी एक ऑसिलेटरी मोशन हो जाएगा फॉर श्योर, ठीक है। बट अगर x की पावर, अगर इस फॉर्मूले में x की पावर ऑड हो गई तो पंगा हो जाएगा, ऑड हो गई ना, ऑड हो गई तो क्या होगा यार, यहाँ पे तो हमेशा रिस्टोरिंग होगा फोर्स, बट नेगेटिव करते ही, नेगेटिव करने में भी वो यहीं पर आ जाएगा, तो इट विल नॉट बी अ रिस्टोरिंग फोर्स एट ऑल, ठीक है। तो यार ये एक रिस्टोरिंग फोर्स तभी होगा जब x हमेशा ऑड होगा, है ना, x हमेशा ऑड होगा, तो ये ऑड पावर्स, तो ये तुम्हें मल्टीपल टाइप्स के हार्मोनिक मोशन दे देगा, ठीक है, समझ गए। अब यार ये एक हार्मोनिक मोशन है, बट जरूरी नहीं है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन ये वाला होता है जिसमें f इज इक्वल टू माइनस के एक्स लगता है, जैसे कि तुम्हारा अर्थ पे लगा था टनल पे, जो सेंटर वाला टनल था, ठीक है, जैसा तुम्हारा स्प्रिंग पे लग रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, क्या आपको ये बात समझ में आ गई है, आ गई है, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इज दिस क्लियर, है ना, समझ गए, ओके। तो यार अब बात करते हैं, अब नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अब यार ये एक SHM है ना, SHM को अब थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे भी आपका SHM होता है ना, उस अरीना को डिफाइन कर लेते हैं। तो बेसिकली वो यहाँ से लेकर यहाँ तक SHM हो रहा है, इस डब्बे में SHM हो रहा है, ठीक है, इस पार्टिकल का इस डब्बे में SHM हो रहा है, और बहुत ही प्यार से हमने यहाँ पे मार्क भी कर रखा है ना, बहुत ही प्यार से हमने यहाँ पे मार्क भी कर लिया, यार ये तुम्हारी मेन पोजीशन है, यहाँ पे ये तुम्हारी मेन पोजीशन है, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि यार ये तुम्हारा x इज इक्वल टू जीरो है, ये तुम्हारा x इज इक्वल टू प्लस है, क्योंकि x पे हो रहा है, x एक्सिस पे हो रहा है ना, y पे होता तो y लिखते हैं ना, y इज, ये x इज इक्वल टू माइनस ए है, ठीक है, समझ गए। अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में, जो ये तुम्हारा टू एंड फ्रो मोशन होता है, कभी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन को विजुलाइज करना है, स्प्रिंग तुम्हारा सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है ना। तो स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेशन ड्यूरिंग में है ना, तो बेसिकली वेयर द एक्सेलरेशन, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, है ना, इसको डिफाइन ऐसे करते हैं जहां पे फोर्स है ना, या तो ऐसे याद रख लो, जहां पे तुम्हारा रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा माइनस के एक्स का फॉर्म हो, सो दिस इज SHM, है ना, या Which is also this, ना a की पावर, क्योंकि फोर्स एक्सेलरेशन भाई भाई फोर्स एक्सेलरेशन भाई भाई, तो तुम इसको क्या करोगे, ma, ठीक है, या तो तुम ये कह सकते हो कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना, टू द, समझ गए ना, बेसिकली एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन एंड एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टूवर्ड्स द मीन पोजिशन, वो उसको SHM कहते हैं, ठीक है। तुम्हें मैंने मोटा मोटी समझा दिया, जहाँ पे फोर्स या एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजिशन की तरफ होता है और इट इज डिपेंडेंट ऑन एक्सेलरेशन, ठीक है। अब तुम देखो, तुम्हारा x बढ़ेगा तो लीनियरली तुम्हारा फोर्स भी बढ़ेगा, लीनियरली तुम्हारा एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, समझ गए ना मेरी बात, या ये सेम ही चीज़ है यार, ये सेम ही चीज़ है, ठीक है। इसमें तुम क्या बोलोगे, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x, है ना, तो यार तुम्हारा ये भी हो जाएगा, ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो इसमें क्लियरली तुम्हें दिख रहा है कि यार यहाँ पे एक्सेलरेशन ऐसे है, यहाँ पे एक्सेलरेशन ऐसे है, ठीक है, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज रिस्टोरिंग इन नेचर एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, या सिंपल लैंग्वेज में मैं लिख सकता हूँ कि ए रिस्टोरिंग, इट्स ऑलवेज रिस्टोरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, ठीक है। ए रिस्टोरिंग का मतलब ही है कि हमेशा यहाँ पे है ना। अब बेटर तरीका क्या है इसको बताने का, ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यार ये डेफिनेशन तुम्हें हमेशा ऐसे ही मिलेगी, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, बट तुम देखोगे कि नमोसर ये अप्लाई नहीं करेंगे, फॉर नमोसर दिस इज नॉट कूल, अपन हमेशा ए रिस्टोरिंग से इसको डील करेंगे, हमेशा वी विल, है ना, इसको हम ऐसे ही बोलेंगे, दिस इज ए रिस्टोरिंग, ठीक है, बिकॉज दिस एक्सेलरेशन इज ऑलवेज रिस्टोरिंग इट्स पोजिशन, ठीक है, जब ये यहाँ जाएगा तो एक्सेलरेशन यहाँ लगेगा, जब ये यहाँ जाएगा तो एक्सेलरेशन यहाँ लगेगा, ठीक है, यहाँ पे देखो डी एक्सेलरेट होगा, है ना, फिर यहाँ पे एक्सेलरेट होगा टुवर्ड्स द मीन पोजिशन, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी गेन कर लिया, फिर ये वापस से वेलोसिटी गेन कर लिया, तो ये यहाँ पे यहाँ तक ब्रेक मारेगा, फिर यहाँ पे एक्सेलरेट करेगा, फिर ब्रेक, फिर एक्सेलरेशन, समझ गए ऐसे, तो ये हमेशा टू एंड फ्रो होता रहेगा, इसको आप SHM कहते हो, है ना, इसको आप मीन पोजीशन कहते हो, इसको आप एक्सट्रीम पोजीशन कहते हो, इसको आप दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन कहते हो, इस लेंथ को आप एम्पलीट्यूड कहते हो, ए मीटर्स, कैपिटल ए मीटर्स, इट इज डिफरेंट फ्रॉम एक्सेलरेशन, ठीक है, कैपिटल ए मीटर्स, यहाँ पे भी कैपिटल ए मीटर्स है,
तो बेसिकली इसका जो अखाड़ा है वो 2A meters का है, 2A meters का है, ठीक है, ठंग 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 ऐसे होता रहता है, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है, और अगर समझ में आ गई है तो हिट द लाइक बटन एंड ऑब्वियसली लेट कीप टेलिंग मी इन द चैट बॉक्स कैसा लग रहा है, एंड कीप हार्ट्स आते रहने चाहिए यार, है ना, ठीक है, क्लियर। अब चलो अब बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ SHM, है ना, अब बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ SHM, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ SHM कि आप ग्राफिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। ये जो साइन वेव आती है कैसे आती है, क्यों आती है, सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, बट उसके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका कुछ भी मैथमेटिकल मतलब वो आपको निकालना है ना, मैथमेटिकली अगर आपको कुछ भी SHM में लिखना है या सॉल्व करना है तो आपको इन दोनों को एक साथ देखना पड़ेगा। यू विल हैव टू सी SHM एंड UCM टुगेदर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड SHM टुगेदर, ठीक है। SHM यहाँ पे हो रहा है तो बेसिकली ये तुम्हारी स्क्रीन है, स्क्रीन पे SHM होता है, ठीक है। अगर X में SHM हो रहा है तो तुम बेसिकली लाइट यहाँ से फेंकोगे, बेटा जल्दी से देखो तुमने लाइट यहाँ से फेंकी, ठीक है, तुमने यहाँ से लाइट फेंकी, ये तुम्हारी स्क्रीन है ये, और तुमने लाइट यहाँ से भी फेंकी, ठीक है, तुमने लाइट यहाँ से भी नीचे से भी फेंक रहे हो, तो तुम जब लाइट यहाँ से फेंक रहे हो तो तुम देख रहे हो उसकी शैडो, शैडो विल ऑलवेज डू SHM, शैडो SHM हमेशा शैडो करेगा, ठीक है। और यार यूनिफॉर्म तुम्हारा ऑब्जेक्ट तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, जब ये यहाँ पे पहुंचा तो देखो इसकी शैडो SHM कर रही है, जब ये यहाँ पे पहुंचा देखो शैडो SHM यहाँ पे जा रही है, ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो ये इसकी शैडो है, ये इसकी शैडो है, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है। जैसे ये स्क्रीन हो गई आपकी, अब देखो ये तुम्हारी स्क्रीन हो गई, इसमें तो डायमीटर में तुम्हें दोनों जगह से लाइट फेंकनी पड़ी। अब यार यहाँ पे खाली एक जगह से लाइट फेंको, स्क्रीन पे तुम्हें लाइट फेंकनी होती है, स्क्रीन पे तुम्हें लाइट फेंकनी होती है, तो तुमने लाइट फेंकी है ना, यहाँ से तुमने लाइट फेंकी। अब देखो शैडो SHM करेगी नहीं करेगी, शैडो SHM करेगी नहीं करेगी, या इसका प्रोजेक्शन SHM करेगा नहीं करेगा, ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा है तो इसकी शैडो देखो इसके साथ साथ मूव कर रही है, और शैडो SHM कर रही है और ये UCM कर रहा है, ठीक है। इसमें जो बेस्ट एग्जांपल मुझे मिला था वो ये था, जो मुझे बेस्ट एग्जांपल मिला था वो ये था, और इसको हम कई बार यूज करेंगे, ट्रस्ट मी यू विल यूज दिस मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। और यार इसमें बढ़िया बात पता है क्या है, क्योंकि जो तुम SHM सॉल्व करोगे ना वो हमेशा वाई में होगा, ये बेस्ट है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, दिस इज द बेस्ट किलर विजुअलाइजेशन ऑफ द एंटायर SHM। तुम पूरा SHM समझ जाओगे अगर तुम ये समझ जाओगे तो आई वॉन्ट योर 100% नहीं 1000% अटेंशन राइट नाउ, ठीक है, क्योंकि इसके बाद तुम्हें SHM से प्यार हो जाएगा। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, इसको ध्यान से देखते रहना, ठीक है। तो बेसिकली यार यहां पे तुम्हारा इस अखाड़े में SHM हो रहा है, ठीक है, तुम्हारा SHM इसमें हो रहा है, इज दिस क्लियर, तुम्हारा SHM नमो सर इसमें हो रहा है, ठीक है, बढ़िया, तुम्हारा SHM यहां पे हो रहा है। अब ना तुम क्या बोलोगे, ध्यान से देखो, ये तुम्हारा UCM है, ये तुम्हारा SHM है ना यार, या तो तुम या लाइट यहां से फेंक रहे हो, ऑब्वियसली लाइट इज ऑलवेज थ्रोन ऑन द स्क्रीन, ठीक है, या यहाँ पे तुम एक स्क्रीन भी रख सकते थे, दिस कुड हैव बीन अ स्क्रीन, स्क्रीन पे बंदा SHM करता, शैडो SHM करती, ठीक है। तो यार ये दोनों एक साथ हो रहे हैं, साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है, यू आर थ्रोइंग लाइट ऑन द स्क्रीन, तो बेसिकली इसका शैडो भी SHM कर रहा है, शैडो की जगह मैंने ये डाल ही दिया तुम्हारा, है ना, ये साथ में डाल ही दिया कि तुम्हें SHM होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, होता हुआ नजर आ रहा है। तो यार SHM और UCM में कुछ कुछ प्रिमाइस क्या कहता है, तो ये SHM हो रहा है, ये UCM हो रहा है, तो इन दोनों में क्या चीजें कॉमन है, तुम लोग मुझे बताओ, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इसका रेडियस और इसका एम्पलीट्यूड बराबर है, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इसका, है ना, सबसे पहले टाइम पीरियड, जिसका टंग टंग है ना, तो अब ध्यान से देखना, ये यहां से ऐसे, जब ये ऐसे करता है दोनों का टाइम पीरियड सेम है, ओके नमो सर, दोनों का टाइम पीरियड सेम है, इसका 2 and 4 का टाइम पीरियड टी है, तो इसका भी टाइम पीरियड टी है, दोनों का टाइम पीरियड सेम है ना, इनका टाइम पीरियड सेम है तो दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी सर, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी, है ना, फ्रीक्वेंसी मतलब समझ गए ना, फ्रीक्वेंसी, हाँ, दोनों की टाइम पीरियड सेम है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बताऊंगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसकी ओमेगा है, तो इसकी भी ओमेगा है ना, ओमेगा, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं यार, एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं, है ना, तो ये बेसिकली 2 π/ν होता है, ठीक है, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं और ये 1 by T होता है, ये सब रिलेटेड है, ये एक ही थाली के भाई बहन है, अगर एक बराबर है तो सारे बराबर हैं, ठीक है ना, समझ गए, ये बराबर है, इसका एम्पलीट्यूड ए है नमो सर, इसका एम्पलीट्यूड ए है, चलो देखो साथ साथ, इसका एम्पलीट्यूड ए है तो इसका रेडियस आर है सर, आर और ए बराबर है, इसका रेडियस सर, इसका रेडियस, इसका एम्पलीट्यूड है, ये दोनों बराबर है सर,
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया कि यार इसका एम्पलीट्यूड इज इक्वल्स टू इसका रेडियस, इसका एम्पलीट्यूड इज इक्वल्स टू इसका रेडियस, दोनों का टाइम पीरियड बराबर है। समझ गए मेरी बात? और अब बढ़िया चीज बताता हूं, बढ़िया चीज बताता हूं, ये जो ओमेगा है ना, ये इसका ओमेगा, इसका जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो इसका ओमेगा है, ठीक है, इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जो इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ना, जो इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वही इसका ओमेगा है। अब तुम लोग बोलोगे यार ये फॉर्मूला आता कैसे है? अरे पहली बात तो बहुत सिंपल है, मैं तुम्हें सारे फॉर्मूले बता देता हूं। सुनो, सबसे पहली बात, जब ये ओमेगा इनटू टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड में कितना एंगल है ना, तुम्हें एक फॉर्मूला बताओगे ना, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी, ये फॉर्मूला बताओगे ना, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी यार, है ना, ओमेगा से रूट है ना, तो बेसिकली एंगल थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा इनटू टी, ओमेगा डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम यार, है ना, वही इसके लिए लगा दो, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी, नो अल्फा, नो अल्फा, दिस इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी। तो मुझे एक चीज बताओ, ये 2 पाई रेडियन कितने एक टाइम पीरियड में करेगा? 2 पाई रेडियन एक टाइम पीरियड में करेगा, तो यहां पे लिखो 2 पाई ओमेगा इनटू टाइम पीरियड, है ना, ये थीटा 2 पाई रेडियंस करेगा एक टाइम पीरियड में, सही बात है, बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे सर, ये समझ में आ गया सर, ये समझ में आ गया। अरे यार घनचक्कर, अगर तेरे को ये समझ में आ गया तो ये क्या हो गया, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी, और 1 बाई टी क्या होता है, 2 पाई ओमेगा, 2 पाई ओमेगा, समझ गए मेरी बात? तो ये इसका डेरिवेशन है, ये इसका डेरिवेशन है, ठीक है, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ या 2 पाई नहीं हो। तो बेसिकली तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि यार ये तुम सब रिलेटेबल है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं। किसी भी एक ऑसिलेशन के लिए अगर टाइम पीरियड पूछूं तो तेरे को फ्रीक्वेंसी पता है, फ्रीक्वेंसी पूछूं तो तेरे को एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता है, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मैं वेव्स में भी बार बार बताने वाला हूं, ठीक है, ये वेव्स में भी बार बार बताने वाला हूं। क्या हमने इसको डंडा मार दिया, हथौड़ा मार दिया, काम खत्म कर दिया इसका, समझ में आ गया, ठीक है। तो यार ये हो रहा है तेरा SHM, सॉरी ये हो रहा है तेरा SHM, ये हो रहा है तेरा UCM, ठीक है, तो ये दोनों बहुत रिलेटेबल है। तो अब तुमने बोला कि इसका रेडियस इसका एम्पलीट्यूड, ये अच्छा ऑब्जर्वेशन था। इसका ओमेगा है ना, जो इसका ओमेगा है सर, जो इसका ओमेगा है ना, इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है, जो इसका एंगुलर वेलोसिटी है, जो SHM का, जो UCM का एंगुलर वेलोसिटी है, वो इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, वो इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये भी ओमेगा, ये भी ओमेगा, है ना, जो इसका ओमेगा है वो इसका फ्रीक्वेंसी है, बिल्कुल सही दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है ये सब, ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। और कुछ बताना चाहते हो तुम लोग मुझे? हाँ ठीक है, और कुछ एनीथिंग एल्स, और एनीथिंग एल्स विच कम्स टू योर माइंड, विच अभी इतना ही आ रहा है ना, अभी इतना ही आ रहा है, इतना काफ़ी है, ठीक है। तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट किलर विजुलाइजेशन था, इस पर हम वापस आएंगे, दोबारा आएंगे, बट आपको ये समझ में आ गया, इसका टाइम पीरियड और इसका टाइम पीरियड सेम है, इसका जो ओमेगा है वो इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ये सब रिलेटेबल होते हैं, ठीक है, और जो इसका रेडियस है वो इसका एम्पलीट्यूड है, जो इसका रेडियस है वो इसका एम्पलीट्यूड है। और अब आएगा मज़ा यार, अब आएगा मज़ा, ट्रस्ट नहीं, अब मैं जो तुम्हें कराने वाला हूँ ना वो लेफ्ट ब्रेन एक्सरसाइज है। और बेटा आई चैलेंज एनी बुक, नॉट डिजिटल वीडियो बुक, बट आई चैलेंज एनी बुक ऑफ SHM सॉल्विंग द problems the way we are solving today and tomorrow and day after tomorrow and after that, ठीक है, है ना। So everyone, representation of SHM, अब हम SHM का equation लिखना चाहते हैं, ठीक है। और अभी जो मैंने तुम्हें चीजें बताई थी ना, ये जो 3 points थे, सुनो ये जो 3 points थे, ये बहुत ज्यादा important है, ये जो 3 points थे, ये बहुत ज्यादा important है कि radius of circle है ना, ये बहुत important है तुम्हारी पूरी analogy में, क्योंकि जिस तरीके से मैं SHM पढ़ाने वाला हूं, ये चीज तुम्हारे लिए प्योर गोल्ड होने वाली है, ठीक है। दैट इज रेडियस ऑफ द सर्कल इज द एम्पलीट्यूड ऑफ SHM, है ना, रेडियस ऑफ द सर्कल इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द SHM, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन द सर्कल इज द फेज इन SHM, अब ये बताऊंगा, ये अभी तुम्हें बताया नहीं, अभी बताऊंगा, ठीक है। एंड एंगुलर स्पीड इन द सर्कुलर मोशन इज इक्वल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी इन द SHM, ठीक है। अब SHM में फेज क्या होता है, ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं अब यार, ये तुम्हें समझ में नहीं आएगा, फेज क्या होता है सर, है ना, हाई फेज इन लाइफ, लो फेज इन लाइफ, ये फेज क्या होता है सर, है ना, ठीक है, सब समझाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो फेज क्या होता है अभी समझाते हैं, देखो अब अगर मैं बोलता हूं, सुनना मेरी बात ध्यान से, अब अगर मैं बोलता हूं यार ये पार्टिकल, सुनना मेरी बात ध्यान से, ये बहुत जरूरी है, अगर ये पार्टिकल यहां पे है, ये UCM का पार्टिकल है, तो यार ये इसकी एंगुलर पोजिशन होगी, क्या ये इसकी एंगुलर पोजिशन होगी? ठीक है, नमो सर मैंने बोला कि यार ये इसकी एंगुलर पोजिशन है, नमो सर ये इसकी एंगुलर पोजिशन है ना, और इसकी एक्चुअल पोजीशन ये रही, इसकी एक्चुअल पोजीशन ये रही, ठीक है, इसकी एक्चुअल पोजीशन ये रही सर। तो तुम पता क्या लिखोगे, सुनना मेरी बात ध्यान से, तुम बोलोगे कि इसका जो फेज है ना नमो सर, इसका फेज पता है क्या है, ये एंगुलर पोजीशन इसका फेज होगा। अब यार यहां पे तुम बोलोगे ये SHM हो रहा है नमो सर, ये UCM हो रहा है, ठीक है, तो तुम बोलोगे सर इसका जो फेज है ना,
इसका फेज है थीटा, इस केस में फेज इसका थीटा है, ठीक है, समझ गए, फेज इसका थीटा है, ठीक है, अभी समझाएंगे तुम्हें, सब कुछ समझाएंगे, डोंट यू वरी, वी विल डू एवरीथिंग, है ना। अब तुम्हें ब्लैक स्क्रीन पे समझा देते हैं, ब्लैक स्क्रीन पे समझा देते हैं कि फेज क्या होता है, ठीक है। फेज इज समथिंग लाइक दिस, कि यार ये तुम्हारा यूसीएम हो रहा है, ध्यान से सुनना, है ना, यूसीएम हो रहा है, और वाई एक्सिस पे SHM होता है, ठीक है, Y एक्सिस पे SHM होता है, हमेशा SHM तुम ऐसे ही कराओगे, SHM तुम हमेशा इस पे ही कराओगे, ध्यान से समझो, SHM will always happen on the Y एक्सिस, there's a reason why I'm saying SHM will always happen on the Y एक्सिस, क्योंकि तुम हमेशा एंगल यहां से मेजर करते हो, सुनो, अगर X में भी दे रखा है ना तो तुम Y में कन्वर्ट कर लेना, हमेशा सुखी रहोगे, जैसे मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यार तुम देखो एंगल हमेशा तुम फर्स्ट क्वाड्रेंट से मेजर करते हो ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट से मेजर करते हो, इसीलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये तुम्हारा ग्रीन वाला तुम्हारा UCM है, इसका स्नैपशॉट ले लेना एंड में, ये ग्रीन वाला तुम्हारा UCM है, तो यार ये पोजीशन वन पे, उस टाइम पे है ना, सुनो, ये लाल वाला तुम्हारा यहाँ पे है, ध्यान से सुनो, उस टाइम तुम्हारा लाल वाला यहाँ पे है, तो बेटा इसका थीटा कितना है, जल्दी से बताओ, इसका थीटा कितना है, इसका फेज क्या लिखूँ मैं, जल्दी से बताओ इसका फेज क्या लिखूँ, नमो सर मैं लिख सकता हूँ इसका जो फेज है ना, या इसका जो थीटा है वो जीरो डिग्रीज है ना, इसका थीटा है जीरो डिग्रीज, है ना, तो मैंने यहाँ पे लिखा इसका फेज, जब ये यहाँ पे जा रहा है, ऑब्वियसली जब ये यहाँ पे जा रहा है तो फेज इसका है जीरो, फेज इसका है जीरो, जीरो रेडियंस, ठीक है। और अब सुनना, अब जब ये भाई साहब यहाँ पे पहुँचते हैं, टंग 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 टंग, जब ये यहाँ पे पहुँचते हैं, लेट्स से दिस इज पाई बाय फोर, ठीक है, अब तुम्हारा ये बेसिकली यहाँ पे पहुँच गया, ये यहाँ पे जा रहा है, तो यार यहाँ पे मैं बोलूँगा कि थीटा है ना, यहाँ पे मैं तुम्हें बोलूँगा कि थीटा तुम्हारा हो गया 45 डिग्रीज, है ना, या पाई बाय फोर रेडियंस, ठीक है, या पाई बाय फोर रेडियंस। तो यार अब इसका फेस क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, अब इसका फेस है ना, यहाँ पे इसका फेस कितना हो जाएगा, इसका सब स्नैपशॉट ले लेना, इसका जो फेस होगा, इसका फेस कितना हो जाएगा, पाई बाय फोर, SHM में इसका फेस हो जाएगा पाई बाय फोर, इट इज गोइंग अप, ठीक है, फेस हो जाएगा पाई बाय फोर। और जब ये दोनों भाई साहब, जब ये भी यहाँ पे मिल जाएंगे, है ना, ये ऐसे गोले गोले बनाए यहाँ पे मैंने, तो यार ये भी यहाँ पे गोले गोले यहाँ पे बना दिए, तो यार इसका एंगुलर पोजीशन कितना है, इसका एंगुलर पोजीशन है वही इसका फेज होगा, एंगुलर पोजीशन यहाँ पे है पाई बाय टू, है ना, और यार ये रेस्ट पे आ गया, तो यार इसका फेज कितना है, अब जल्दी से बताओ, इसका भी फेज लिख दो साथ साथ, इसका भी फेज लिख दो, इसका फेज हो गया तुम्हारा पाई बाय टू, समझ गए मेरी बात, इसकी एंगुलर पोजीशन उसका फेज होगा, इसकी एंगुलर पोजीशन उसका फेज होगा, ठीक है, समझ गए ना, तो एंगुलर पोजीशन एंड फेज, फेज समझ गए, फेज ये एंगल होता है, एंगुलर पोजीशन, इसकी एंगुलर पोजीशन क्या है, और हमेशा एंगुलर पोजीशन ऐसे मेजर करेंगे, प्लीज डोंट डिस्टॉर्ट दिस, इसको हमेशा पावन रहने देना, तुम्हारा UCM ऐसे स्टार्ट होता है और ऐसे खत्म होता है, तुम्हारा SHM ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे होता है, ठीक है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, SHM स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, ऑब्वियस बात है कि यार ये तुम्हारी ऐसे है। अब देखो एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है ना, अब एक फेज होता है लाइफ में, एक फेज होता है जब तुम राइज करते हो, एक फेज होता है जब तुम नीचे जाते हो, अब तुम जब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ आएगा, ध्यान से समझो, जब ये पार्टिकल फिर ये यहाँ जाएगा, फिर ये वापस से यहाँ पे आएगा, जब ये पार्टिकल वापस से यहाँ पे आएगा, ये नीचे जा रहा है, तो इसका फेज नीचे जाने का फेज है लाइफ में, इसका फेज ये नीचे जाने का है फेज लाइफ में, तो जल्दी से बताओ, ये पाई बाय फोर है प्लस पाई बाय टू कितना होगा, थ्री पाई बाय फोर, क्या मैंने सही बोला है, पाई बाय टू प्लस पाई बाय फोर कितना होगा, थ्री पाई बाय फोर, है ना, तो यार इसका जो फेज होगा, जल्दी से बताओ, इसका जो एंगुलर पोजिशन होगा, है ना, कितना होगा, यहाँ पे मैं बोल दूंगा थीटा इज इक्वल्स टू 135 डिग्रीज, 135 डिग्रीज इज 3 पाई बाय फोर ऑब्वियसली, है ना, तो अब यार ये भाई साहब इसके नीचे जा रहे होंगे इस टाइम पे, है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग ये नीचे जा रहा है, तो यार ये नीचे जा रहा होगा, इसकी शैडो नीचे जा रही होगी, जब ये ऊपर जा रहा था तो फेस था पाई बाय टू, सेम पोजिशन पे जब ये नीचे जा रहा है तो इसका फेस कितना होगा, ये नीचे जा रहा है लाइफ में, ठीक है, इसका फेस कितना हो गया 3 पाई बाय फोर, आपको समझ आ गया, यहाँ पे जब ये ऊपर जा रहा था तो फेज ये था, तो ये अच्छी तरीके से डिफाइंड होता है, SHM में हर चीज़ अच्छी तरीके से डिफाइन होती है, जब तुम ऐसे ऐसे जाते हो किसी भी टाइम पे मैं फेज पूछ सकता हूँ, मैं बोलूँगा जब तुम ऊपर जा रहे हो, ओके ऊपर जा रहे हो, तो बेसिकली तुम्हारा ये कॉम्पोनेंट काउंटर पार्ट ऊपर ऐसे जा रहा है, तो इसकी पोजिशन फेज होगी, ठीक है, इसकी पोजिशन फेज होगी, समझ गए, वेरी गुड, तो बेसिकली फेज इज द एंगुलर पोजिशन, ठीक है, जो एंगुलर पोजिशन UCM का होगा वो तेरे SHM का फेज होगा, है ना, और हमेशा कायदे से ऐसे SHM को कराना कि वो Y एक्सिस पे हो रहा है और ये ऐसे हो रहा है, क्यों, क्योंकि फिर चीज़ें सिंपल हो जाती हैं, सारे डेरिवेशन मैं तेरे वैसे ही कराऊंगा, चला के
प्रॉब्लम एक्स में भी होगा ना तो मैं तेरे को वाई में कराऊंगा, ठीक है? सो डोंट यू वरी अबाउट दैट एंड यू विल थैंक मी लेटर। तुम लोग मुझे बाद में थैंक करोगे, अभी के लिए हार्ट्स दे सकते हो, उससे मैं काम चला लूंगा। थैंक यू सो मच। ठीक है, अब देखो, ध्यान से देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ SHM, ओमेगा इज कांस्टेंट, तुम्हारा ओमेगा अभी कांस्टेंट है, ठीक है? रेडियस ऑफ UCM कितना है? ए। रेडियस ऑफ UCM है ए। अब मैं जानना चाहता हूं उसकी पोजीशन, क्योंकि SHM तो इसमें होगा। नमो सर, बहुत ही सिंपल है, SHM तो मेरा इसमें होगा। ये एक सिंपल SHM है विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम द मेन पोजीशन। ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ SHM है ना स्टार्टिंग फ्रॉम y इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है? मेन पोजीशन मतलब अगर SHM यहीं से स्टार्ट हो रहा है, सिंपल वाला SHM अगर वो यहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो बेसिकली एट t इज इक्वल्स टू जीरो, बेटा एट t इज इक्वल्स टू जीरो तुम्हारा पार्टिकल यहां पे था, है ना? तुम्हारा UCM का पार्टिकल यहां पे था। UCM कौन कर रहा है? बेटा ध्यान से देखो, मैं जो लिखने वाला हूं ये बहुत जरूरी है, ये ब्लू वाला, ये जो ब्लू ही है तुम्हारा, ब्लू ही है ना, ठीक है? और ये तुम्हारा लालू, ठीक है? ये लालू तुम्हारा इस अरीना में, ये लालू तुम्हारा इस अरीना में क्या कर रहा है? SHM कर रहा है। ये SHM का अरीना है, ठीक है? ये SHM लिख दो इसको, लाल वाला मतलब SHM, ब्लू वाला मतलब UCM। नमो सर, अब अच्छा लग रहा है, थोड़ा कंफर्टेबल लग रहा है। टी इज इक्वल्स टू जीरो पे तुम यहाँ थे, है ना? टी इज इक्वल्स टू जीरो पे, अरे यार ब्लू वाली बॉल है क्या? कोई नहीं है क्या? कोई टेंशन नहीं है। ब्लू, रुको 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 रुको, हाँ ये तो है ही ना, चलो ये लाल है, हाँ ये ब्लू है, सही है सही है सही है, है ना? ये लाल है, ये ब्लू है, ठीक है? तो बेसिकली ये SHM कर रहा है तुम्हारा, है ना? ये समझ गए, और ये ब्लू वाला, सो बेसिकली जब ये यहाँ आ जाता है तो ये यहाँ जाता है, जब ये यहाँ जाता है तो ये यहाँ जाता है, जब ये यहाँ जाता है तो ये नीचे आता है, ऐसे 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 दोनों मिलते हैं। ये इसकी शैडो है बेसिकली, है ना? ये इसकी शैडो है। तुम लाइट ऐसे फेंक रहे हो, तुम लाइट ऐसे फेंक रहे हो। एक्स एक्सिस तुम्हारी स्क्रीन, वाई एक्सिस तुम्हारी स्क्रीन है हमेशा, है ना? एक्स एक्सिस तुम्हारी स्क्रीन है, तुम लाइट ऐसे फेंक रहे हो, ठीक है? बहुत ही आसानी से तुम्हें समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसानी से तुम्हें समझ में आ जाएगा कि सर एट टी इज इक्वल्स टू टी इसका एंगल कितना हो गया? ओमेगा टी, ओमेगा टी, क्योंकि ओमेगा से रोटेट कर रहा है ना, ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ठीक है? अब तुम्हें ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई, कहाँ गया रिमोट? हाँ, अब यार ये बात तुम्हें अच्छी तरीके से समझ में आ गई कि यार ये ओमेगा टी चला गया, अरे यार ओमेगा टी चला गया, चल यार वाई निकाल लेना, इसका डिस्प्लेसमेंट जो वाई हुआ है एट टी इज इक्वल्स टू टी, डिस्प्लेसमेंट आ गया ना वाई, एक एक लाइन में आया यार, एक लाइन में कभी कोई चीज आती है, ये क्या होगा? ए कॉस ओमेगा टी, है ना? क्योंकि एंगल थीटा है ना, तो ये ए कॉस थीटा हो जाएगा, ये ए साइन थीटा हो जाएगा, ये तेरा थीटा है, ठीक है? जल्दी से बताइए, वाई हो गया, जल्दी से एवरीवन, वाई इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। चेक करो क्या ये इक्वेशन ऑफ SHM होता है, क्या तुम्हारी किताब में ये लिखा है? नहीं सर, हमारी किताब में कुछ और लिखा है सर, आपने कम पढ़ाया है, हमारी किताब में लिखा है वाई इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस समथिंग विच इज लाइक दिस, है ना? इसको फाय कहते हैं। फाय बड़ी प्यारी चीज है, रुको रुको रुको, अभी मजा आएगा, फाय क्या होता है बताते हैं। अब यार ये जनरल इक्वेशन ऑफ SHM नहीं है, ये एक सिंपल सिंपल हार्मोनिक मोशन का भी सिंपल है कि तुम बोल रहे हो तुम स्टार्ट से स्टार्ट करते हो, ठीक है? बट अगर कोई है ना बड़े बाप का छोटा बेटा बड़े बाप का छोटा बेटा कभी भी यहां से स्टार्ट थोड़ी करता है, वो यहां से स्टार्ट करता है, उसके पास कुछ इनिशियल फेज होता है, ठीक है? वो होता है तो लाइफ इज नॉट फेयर, लाइफ इज नॉट फेयर, लाइफ इज नॉट फेयर, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, है ना? कोई जीरो से स्टार्ट करता है तो कोई बहुत आगे से स्टार्ट करता है, बट अंडरस्टैंड दिस, ठीक है? जो जीरो से स्टार्ट करता है वैल्यू उसी की होती है, समझ गए मेरी बात, है ना? ये बात हमने देखी है और ऐसा होता भी है, इज दिस क्लियर? तो अब तुमने लिखा वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये तो सिंपल SHM हो गया स्टार्टिंग फ्रॉम वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है? समझ गए मेरी बात, यहां से तुम्हारा UCM यहां से स्टार्ट होता है ना, बिल्कुल यहां से फर्स्ट क्वाड्रेंट से, और तुम्हारा SHM भी ओरिजिन से स्टार्ट होता है, ऐसे टंग 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 होता जा रहा है, ये वो वाला SHM है। बट अब बात करते हैं जनरल SHM की, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, जनरल SHM की। वैसे अब तुमने इसको डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हें इसकी वेलोसिटी भी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगी, तुम्हें इसका डिस्प्लेसमेंट पता है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इसको डिफरेंशिएट कर, इसको जैसे ही तो डिफरेंशिएट करेगा तो जल्दी से बता वेलोसिटी आ जाएगी dy by dt, है ना? तो ये क्या आ गया, है ना? ये बहुत आसानी से बाद में करके बता दूंगा, a ओमेगा cos, साइन का cos होता है ना, cos ओमेगा t आ जाएगा, चेन रूल लगा के आ जाएगा बहुत आसानी से। इसको एक और बार डिफरेंशिएट करेगा तो क्या आ जाएगा dv by dt, एक और बार डिफरेंशिएट करेगा तो ये आ जाएगा a ओमेगा स्क्वायर, और ये नेगेटिव आ रहा है क्योंकि साइन हो जाएगा फिर से साइन ऑफ ओमेगा t, है ना? तो जब तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे फिर इसको डिफरेंशिएट करोगे, है ना? तो बेसिकली इसको आपने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा टी, एंड देन यू डिफरेंशिएटेड ओमेगा टी विद रिस्पेक्ट टू टी, चेन रूल लगाया, तो बेसिकली ये आ गया, फिर ये आ गया, तो अल्टीमेटली यही चीज तो लिखी है भाई, है ना? और यार यहां पे तुम्हें दिख रहा है कि यार ये तो ए साइन ओमेगा टी तो तुम्हारा वाई ही है, तो यार ये तुम्हारा ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई आया। ये जो चीज है ना बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको बार बार करेंगे, 10 बार करेंगे और फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है।
ठीक है, तो यार तुम्हें बेसिकली अब इसकी वेलोसिटी भी पता है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, जब ये ऐसे जा रहा है तो ये ऊपर जा रहा है, तो उसकी वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम तेरे को मिल गई है ना, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल गई। देख देख, जीरो से पाई बाय टू वेलोसिटी ऊपर है, पॉजिटिव है, ठीक है, जब नीचे आ रहा है तो कॉस नेगेटिव क्वाड्रेंट में, जब ये नीचे आएगा है ना, तो तेरा थीटा मतलब बेसिकली यहाँ पे कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए वेलोसिटी भी नेगेटिव आएगी, वेलोसिटी भी नेगेटिव आएगी है ना, यहाँ पे भी कॉस नेगेटिव होता है, तो जब तेरा एंगल, समझ गया यार तू है ना, ठीक है, तो यू कैन रिलेट टू ऑल दीज थिंग्स, ये बहुत ही सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, मैं वैसे विजुअली बताऊंगा, आई टेल यू इनको प्रूफ करने के और तरीके विदाउट डिफ्रेंसिएशन करके बताऊंगा ये सब चीज़ें है ना, जो किसी भी किताब में तुम्हें मिल जाए तो बता देना, ठीक है, कॉमेंट्स में बता देना, ठीक है, नहीं तो कुछ प्यार भरा लिख देना। एवरीवन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ SHM, एवरी SHM कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द मोशन ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द पार्टिकल ऑन द डायमीटर ऑफ द सर्कल है ना, इन द केस वाई एक्सिस कोई तुम लेना, मुझे तो बढ़िया लगता है वाई एक्सिस पे लेना, ठीक है, बढ़िया है, क्योंकि वहां से फेस कैलकुलेशन आसान हो जाता है, फेस कैलकुलेशन आसान हो जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ SHM, अब यार वैल्यू इसकी है, वैल्यू है जनरल इक्वेशन ऑफ SHM, यार ये तो सिंपल हो गई, दिस इज नॉट द जनरल इक्वेशन, दिस इज नॉट द जनरल इक्वेशन, दिस इज नॉट द जनरल इक्वेशन, ये जनरल इक्वेशन नहीं है, समझ गए, क्योंकि इसमें इनिशियल फेज क्या है, वॉट इज द इनिशियल फेज, वॉट इज द इनिशियल फेज, इसको फेज कहते हैं, मैंने बताया था ना यार, ये तुम्हारा फेज होता है, फेज इज द एंगल, फेज इज द एंगल, ये एंगल है ना तुम्हारा, फेज इस एंगल को कहते हैं, यार ये एंगल है, इसमें कोई इनिशियल फेज है ही नहीं, टी को जीरो रख, जीरो है ना, टी को जीरो रख, जीरो मतलब ये पार्टिकल यहीं पर है, ठीक है, इनिशियल फेज है ही नहीं, ये है। अब आप करेंगे असली चीज, नाउ वी विल डू द रियल थिंग, अब असली चीज करेंगे, रियल थिंग, एंड दिस इज प्योर गोल्ड, यहां से जो भी स्टार्ट होगा, ये जो भी होगा बहुत सुनहरा होगा और बहुत ही आसानी से मैं तुम्हें समझा दूंगा, और बच्चों ट्रस्ट मी, आई एम टाइमिंग माई सेल्फ, बहुत जल्दी तुम्हारे दिमाग में घुसाना मेरा काम है, ठीक है। इक्वेशन मैंने बोला था ना, कोई भी चीज लाइफ में फेयर नहीं होगी, ठीक है, समझो मेरी बात है ना, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा वो अलग बात है, बट राजा का बेटा यहां से स्टार्ट करेगा है ना, समझ रहे हो मेरी बात, तो ध्यान से देखो, ये ब्लू वाला पार्टिकल है, ये t इज इक्वल टू जीरो यहां पे स्टार्ट कर रहा है ना, इसका 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 ऑलरेडी इनिशियल पोजीशन फाइव है, इसको इनिशियल फेस कहते हैं, ये इनिशियल पोजीशन है, मतलब यहां पे तुम्हारा SHM ऐसे स्टार्ट हो रहा है, यहां से स्टार्ट नहीं हो रहा, ऐसे स्टार्ट नहीं हो रहा, SHM ऐसे स्टार्ट नहीं हो रहा, वो यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है, समझ गए मेरी बात। अब देखो, एक जनरल SHM क्या होता है कि यार ये यहां पे पड़ा हुआ है, इसको मैंने रेस्ट पे कर दिया, ये मीन पोजीशन है, यहां से मैंने इसको कुछ वेलोसिटी दे दी, ये एक SHM था जो मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ, बट अगर मैं पहले से इसको थोड़ा सा खींच दूं, मैंने बोला तू राजा का बेटा है, ठीक है, तो मैंने पहले से खींच दिया, तेरे को इनिशियल वेलोसिटी दूंगा मैं, ठीक है, तो अब देखो मैंने ये मीन पोजीशन अभी भी रहेगी, बट हुआ क्या, ये इसको ऑलरेडी मतलब किसी और पोजीशन से स्टार्ट किया इसने, आपको ये बात समझ में आई, तो बेसिकली यार अपनी जो जनरल इक्वेशन है वो यही होगी कि तुमने यहां से स्टार्ट किया, फाइ से स्टार्ट किया, ध्यान से सुनो, तुमने फाइ से स्टार्ट किया, ये इसकी इनिशियल, दिस इज नोन एज द इनिशियल फेज और द इनिशियल पोजिशन, दिस इज द इनिशियल फेज ऑफ SHM, दिस इज द इनिशियल फेज ऑफ SHM, ठीक है, और SHM का रेडियस है ना ऐसे, हाँ समझ गए मेरी बात, ओके गुड, वापस से वो ड्रॉ कर देते हैं, वापस से वो ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं, एक बार फिर से वो ड्रॉ करना पड़ेगा, ध्यान से देखते रहना, यार ये तुम्हारा SHM का अरीना है, यहाँ पे तुम्हारा SHM होगा, जो भी कांड होने हैं वो यहीं पर होने हैं, ठीक है, ओके ग्रेट है ना, तो इसको ऐसे ऐसे कर दो, इसको ऐसे ऐसे कर दो, ये इनिशियल था, ये भी इनिशियल था, ये टी इक्वल्स टू जीरो पे था, ठीक है, अब ये यहाँ पे पहुँच गया है, तो अल्टीमेटली इसने, अब ये देखो, ये तुम्हारा टी इक्वल्स टू जीरो है, ये तुम्हारा टी इक्वल्स टू टी है, तो यार ये भाई साहब तुम्हारे, ये ब्लू वाले भाई साहब यहां से यहां गए, और तुम्हारे यार ये भाई साहब रेड वाले भाई साहब यहां से यहां गए, यहां से आ गए, तो एट टी इज इक्वल्स टू टी तुम्हें इसकी पोजीशन मुझे बतानी है, इसकी पोजीशन बतानी है एट टी इज इक्वल्स टू टी, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, तुमने देखा इसने ओमेगा टी, क्योंकि ओमेगा से चल रहा है ना ये, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसका और इसका, इसका इसका ओमेगा और इसका ओमेगा, इसका ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसका इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, ठीक है ना, समझ गए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ज्यादा मतलब टाइम पीरियड कम, ठीक है, तो बेसिकली इसका ओमेगा इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसकी है ना, समझ गए मेरी बात, क्योंकि ये जब एक ओमेगा में ऐसे वो करता था, ये भी अपना SHM कंप्लीट करता था, तो इसका जो ओमेगा था वो इसके एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बराबर था, इन दोनों का टाइम पीरियड बराबर था, तो इन दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर थी, इन दोनों का एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बराबर थी, ठीक है, समझ गए तुम, समझ गए, आई हैव अंडरस्टूड दैट यू अंडरस्टूड, ठीक है। अब आगे क्या करना है, अब तुम्हें देखना है कि यार इसकी जो पोजीशन है वो क्या है,
है ना. सो नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि यार इसकी जो एंगुलर पोजिशन है वो क्या है. ठीक है, तो तुम्हें यहां पे ये क्लियरली दिख जाता है, तुम्हें यहां पे क्लियरली दिख जाता है यार ये y है. और अगर तुम इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो बेटा, तुम इस ट्राइंगल को अगर ध्यान से देखो तो यार ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा टी प्लस फाइव. ठीक है, एट टी इज इक्वल टू टी, एट टी इज इक्वल टू टी दिस इज ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना. ठीक है, ये यहां पे जा रहा है वो अलग बात है ना. ये भाई साहब यहां पे है लाल वाले, ठीक है, ये ऊपर जा रहे हैं. ठीक है, तो अब तुम्हें बेसिकली इसका ये वाई निकालना था, तो यार ये वाई हो गया यार, ये तुम्हारा ए हो गया. जल्दी से देखिए, ये तुम्हारा ए हो गया. तो बस ट्रिग्नोमेट्री लगाओ ना, यहाँ पे हो गया, बस काम खत्म. ये क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा, ये हो जाएगा ए साइन थीटा. तो यार यहाँ से तुम्हारा बहुत इजीली आ गया ना, वाई इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. यस, दिस इज द जनरल इक्वेशन एक लाइन में ऑफ एस एच एम वेन यू डू इट वाया दिस मेथड. ज़्यादा मेहनत करनी नहीं है, ये तुम्हारी पोजीशन है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, है ना, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ये पोजीशन है. टी इज इक्वल टू जीरो पे ए साइन फाइव थी, ए साइन फाइव थी, दिख रही थी ना, ए साइन फाइव वॉज द पोजिशन एट टी इज इक्वल टू जीरो. तो अब तुम्हें देखो, अब तुम्हें बड़ा मजा आएगा देख के. ये चीज क्या होती है बेटा, ये एंगल क्या होता है, इसको कहते हैं फेज ऑफ एस एच एम, इसको कहते हैं फेज ऑफ एस एच एम. अब इसी फेज में टी को जीरो रखो, इसी फेज में टी को जीरो रखो तो इनिशियल फेज आ जाएगा. टी को जीरो रखा तो फाइव आ गया, है ना. तो बेसिकली अब यार ये हो गया तुम्हारा इनिशियल फेज, टी इज इक्वल टू जीरो वाला इनिशियल फेज हो गया, है ना. तो बेसिकली समझ गए मेरी बात, ये फेज है, फेज में टी को जीरो रख दो तो वो इनिशियल फेज आ गया, फाइव आ गया ना. फाइव इज द इनिशियल फेज ऑफ एस एच एम या इनिशियल पोजिशन, फाइव इज द इनिशियल एंगुलर पोजिशन ऑफ द यू सी एम या इनिशियल फेज ऑफ एस एच एम. समझ गए तुम, है ना, समझ गए, वेरी गुड. ओके गुड, अब तुम्हें बताना है. और ए क्या है, ए एम्पलीट्यूड है, ए इज द एम्पलीट्यूड ऑफ एस एच एम. वॉट इज ए सर, दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ एस एच एम, एम्पलीट्यूड ऑफ एस एच एम. सर थोड़ा यहां पे दिखा दीजिए एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये होता है एम्पलीट्यूड भाई, है ना, ये होता है एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड मतलब ये मैक्सिमम ए वाई इज इक्वल टू ए तक पहुंच सकता है, वाई इज इक्वल टू ए तक पहुंच सकता है, वाई इज इक्वल टू माइनस ए तक पहुंच सकता है, ये इसका एम्पलीट्यूड है. नमो सर, ये एक साइन इक्वेशन है सर, ये एक साइन इक्वेशन, इसको मैं प्लॉट करूंगा, इसको मैं प्लॉट करूंगा. तो यार ये मैंने एकदम से बहुत जल्दी जल्दी में तुम्हें दिखाया था, ये एक साइन फंक्शन होगा, है ना, दिस इज अ साइन फंक्शन, है ना. ठीक है, इट्स अ साइन वेव, है ना. तो ये क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल्स टू, है ना, और ऑब्वियसली बात है वन नहीं है, वन नहीं है एम्पलीट्यूड, तो ए टाइम्स, फिर तो मल्टीप्लाई करोगे किससे, साइन ऑफ ओमेगा टी से. ठीक है, ये y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी का फॉर्मेट है या नहीं है, बिल्कुल है. फाइव क्यों नहीं डाला मैंने, क्योंकि t इज इक्वल टू जीरो पे ये जीरो ही है, t इज इक्वल टू जीरो पे y जीरो ही है, तो ये बेसिकली एक नॉर्मल साइन का फंक्शन हो गया. ये एक SHM का इक्वेशन है, हाँ ये एक बहुत अच्छे SHM का इक्वेशन है जो यहां से स्टार्ट होता है. ठीक है, जो यहां से स्टार्ट होता है, तो यार देखो ये SHM जो हो रहा है, देखो इसकी जो y पोजीशन, देखो इसकी y पोजीशन पहले बढ़ती है, हाँ बढ़ती है, फिर नीचे होती है, फिर, है ना. तो बेसिकली टाइम के साथ ये ऐसे वेरी करता है, टाइम के साथ ये ऐसे वेरी करता है, है ना, समझ गए मेरी बात. तो ग्राफिकली भी तुम समझ गए और तुम ये भी समझ गए कि एट टी इज इक्वल टू टी तुम कैसे निकालते हो एसएचएम को. बट इंपॉर्टेंट क्या है, दोनों को हैंड इन हैंड ले जाओ. अगर हैंड इन हैंड ले जाओगे तो तुम इसको विजुलाइज कर पाओगे, नहीं तो एसएचएम से डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है. बट एसएचएम के नाम में ही सिंपल है, सिंपल तब है जब विजुलाइज करते हो, तभी आसान है बोल सकते हो. ठीक है, अब ये हमें आसान लग रहा है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन एसएचएम. ठीक है, व्हाट इज दिस, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट और पोजिशन, पोजिशन है ना, पोजीशन इन SHM, है ना. एंड दिस इज SHM हैपनिंग इन द y एक्सिस, SHM हैपनिंग इन द y एक्सिस. अब बेटा अब तुम्हें बहुत कुछ करना है लाइफ में, अब तुम्हें बहुत कुछ करना है लाइफ में, है ना. अब तुम्हें बहुत कुछ करना है, मतलब क्या करना है, है ना, मतलब क्या करना है सर बताइए. अब हमें इसकी वेलोसिटी निकालनी है, इसको डिफ्रेंशिएट करके, और विजुअली पे बताऊंगा, दोनों बताऊंगा तुम्हें. ठीक है, बट इंपॉर्टेंट क्या है, SHM और UCM में रेडियस ऑफ द सर्कल इसका एम्पलीट्यूड होता है. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन द सर्कल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन द सर्कल जो वो है वो फेज इन SHM हो जाता है, जो उसका एंगुलर, ये इसकी एंगुलर पोजीशन है, वो SHM का फेज है, है ना. तू बोलेगा यार ये पार्टिकल ओ ये 30 डिग्रीज पे है, तो तू बोलेगा ये जो ऊपर जा रहा है, अरे तेरा फेज 30 डिग्रीज है, अरे तू ऊपर जा रहा है फेज 90 डिग्रीज हो गया. समझ गए, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, है ना, समझ गए, वेरी नाइस. अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है, व्हेनेवर आई से इनिशियल फेज इज पाई बाय टू, इसका मतलब क्या होता है, इनिशियल फेज इज पाई बाय टू, पाई बाय टू मतलब ध्यान से देखो इसका मतलब क्या है. अगर मैंने बोला कि मैं एक SHM ऐसा चाहता हूं जिसका इनिशियल फेज पाई बाय टू हो, जिसका इनिशियल फेज पाई बाय टू हो, है ना, मतलब वो ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है. ठीक है, ये अपनी मेन पोजिशन पर जा चुका, एक्सट्रीम पोजिशन पर जा चुका है, और यहां से ऐसे कर रहा हूं,
ठीक है, समझ गए मेरी बात? मतलब मीन पोजीशन यहां पे मैं इसकी एक्सट्रीम पोजीशन से उसको मैक्सिमम वेलोसिटी दे रहा हूं, ये तो फट गया यार। ओ भाई साहब रुको, ठीक है मैंने आपका अनादर नहीं किया है, ठीक है खोपरे जी रुको एक मिनट, इसको वापस लगाने दो यार, बड़ी मुश्किल से ढूंढा था यार जहां पे रिबन थोड़ा सा, हाँ ठीक है ओके क्लियर है, अगली बार थोड़ा बेटर बंदोबस्त करना पड़ेगा, रुको एक मिनट इसको टाइट कर देते हैं, एक मिनट रुको यार, दिस इज सम स्पिरिचुअल स्टफ। ओके नहीं हो रहा है, हाँ हो गया, पकड़ लिया इसने, पकड़ लिया ठीक है, बाद में देखेंगे इसको, बट आई होप तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गया थोड़ा बहुत। हाँ ये अच्छा पकड़ा इसने, ठीक है ओके क्लियर। तो बेसिकली अगर इसने यहाँ से स्टार्ट किया है, फाइव इज इक्वल टू पाई बाई टू, मतलब ध्यान से देखो ये तुम्हारा UCM है, UCM अपन जनरली किससे कराते थे, UCM अपन कराते थे रेड से, नहीं ब्लू से कराते थे अपन UCM, है ना, सर्कल अच्छा बनाओ यार। हाँ इसका मतलब यह है कि यार इनिशियल फेज 5/2 है, मतलब t = 0 पे तेरा UCM है ना, तेरा UCM ऑलरेडी 5/2 पे बैठा है, ठीक है t = 0 पे, इसका मतलब यहां से ही ओमेगा कर रहा है, मतलब तेरा SHM यहां से स्टार्ट हो रहा है। योर SHM इज नॉट बिगनिंग फ्रॉम द मेन पोजिशन, योर SHM इज बिगनिंग फ्रॉम y = a। तो तू जनरल इक्वेशन में y = a sin ωt + फाइव लिख। अब इसमें फाइव को पाई बाई टू डाल, देख तेरे को हर चीज खुद ही समझ में आ जाएगी, इसमें पाई बाई टू डाला, नमो सर मैं पाई बाई टू डाल रहा हूँ, ठीक है मैं इसमें ये फाइव को पाई बाई टू डाल रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा a sin ωt + पाई बाई टू प्लस थीटा, ये तो कॉस हो गया सर, ये तो हो गया a cos ωt। यस इट मेक सेंस, यस इट मेक सेंस, t = 0 पे मेरा y a है, t = 0 पे y मेरा a है ना, और इसका इक्वेशन भी क्या होगा, है ना, अगर तुम इसका इक्वेशन प्लॉट करोगे व्हाट इज द y डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, देखो t = 0 पे है ना cos को प्लॉट करते हो तो cos ऐसे आता है, हाँ दिख रहा है मुझे t = 0 पे यहाँ पे, फिर देखो फिर ये नीचे आ रहा है, हाँ y नेगेटिव हो रहा है, ठीक है y पॉजिटिव मतलब थोड़ा कम हो रहा है, थोड़ा नीचे आ रहा है, फिर ये ऐसे जाएगा, समझ गए मेरी बात? तो जरूरी थोड़ी है कि तुम्हारा SHM, जरूरी थोड़ी है कि जो तुम्हारा SHM है वो यहीं से स्टार्ट होगा, हो सकता है ना यहाँ से भी स्टार्ट हो रहा हो, है ना, हो सकता है ना यहाँ से भी स्टार्ट हो रहा है ना, समझ गए मेरी बात? जो तुम्हारी मोटर है, मोटर जो SHM कर रही है, जरूरी थोड़ी तुमने गाड़ी को रोका तो वो जरूरी थोड़ी यहाँ पे रोके, अगली बार तुम गाड़ी स्टार्ट करोगे वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है समथिंग लाइक दैट यार, समझ जाओ तुम, पकड़ लोगे, तुम समझदार हो, ठीक है इतने तो तुम समझदार हो ही अगर तुमने मेरे सारे लेक्चर देखे इससे पहले, ठीक है ये बात समझ में आ गई तुम्हें, क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन SHM, कुछ फॉर्मूले बताऊंगा और फिर देखना तुम प्रॉब्लम्स को जैसे सॉल्व करोगे ना, यू विल एंजॉय, तुम्हें लगेगा हाँ यार SHM की प्रॉब्लम आई है मजे, और ट्रस्ट मी नहीं तो मजा सजा हो जाएगी, अगर तुमने ऐसे नहीं किया तो मजा सजा हो जाएगी, ठीक है। तो अपन अब इस चीज को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, एंड आई हैव पर्टिकुलरली एडेड दिस एनिमेशन हियर टू शो यू कि यार ये देख ये UCM है, इसका वेलोसिटी वेक्टर हमेशा कांस्टेंट है, इसका वेलोसिटी वेक्टर हमेशा एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, ये तो UCM हो रहा है ना, बट इसका वेलोसिटी वेक्टर देख बढ़ रहा है मैक्सिमम कम हो रहा है, इस वेक्टर को ध्यान से देख, ये ग्रीन वाले है ना, बढ़ रहा है, यस यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ पे रेस्ट पे आ गया, फिर ये यहाँ पे फिर से बढ़ रहा है, ठीक है। एक और फंडा बताना चाहता हूँ, ये शैडो है ना, रुको, ये दोनों तरीके से बताएंगे तुम्हें, ये शैडो है ना, ध्यान से देखो, एक और फंडा बताएंगे विजुअल बताने के लिए, विजुअल तुम फॉर्मूला खुद लिख दोगे और तुम खुद बोलोगे नमो सर आज आपने दिमाग के कपाट खोल दिए हैं, ठीक है ये तुम्हारी स्क्रीन है, दिस इज योर स्क्रीन, ठीक है यहां पे भी तुम ऐसे फेंक रहे हो उसको, सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड इज कि अगर ध्यान से सुनो, अगर ये एक मिरर है, मिरर यानी स्क्रीन है ना, ठीक है दिस इज अ स्क्रीन है ना, अब यार ये तो मैकेनिक्स का फंडा है, वेक्टर्स में तुम कर सकते हो ये चीज बहुत आसानी से, अगर ये वेलोसिटी इसकी लेट्स से 10 है और यार यहाँ पे लेट्स से इसकी वेलोसिटी 6 है, इसका कॉम्पोनेंट यहाँ पे 8 है, ठीक है अलोंग 8 है, अलोंग ये है 6, ठीक है तो शैडो बेटा इसकी शैडो का क्या होगा, इसकी जो शैडो है ना अगर तुम ऐसे मूव करोगे तो तुम्हारी शैडो, अगर लाइट ऐसे फेंक रहे हो तुम,
ठीक है, अगर लाइट ऐसे फेंक रहे हो है ना, तो तुम्हारी शेडो भी 8 से ही चलेगी। हाँ सर ये 8 तो रहेगी, बट यार ये गुल हो जाएगी, ये गुल हो जाएगी, ठीक है, ये तो जीरो हो जाएगी ना। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है शेडो की, शेडो तो यही मूव कर सकती है ना। तो यार ये वाला जो एट एज इट इज रहेगा, बट यहाँ पे कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि अगर तुम ऐसे मूव करोगे तो शेडो मूव नहीं करेगी, परपेंडिकुलर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी है ना। वेलोसिटी परपेंडिकुलर ऑफ द शेडो इज ऑलवेज जीरो, पैरेलल वाला ले लेगा बट ये जीरो हो जाएगा। फंडा समझ गए तो मेरी बात, अगर तुम 10 से जा रहे हो, लेट्स से एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्रीज, तो यार ये कॉम्बिनेटेड हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, तो तुमने इसको ब्रेक कर लिया, तो तुमने बोला यार ये 8 है, ये 8 इज एज इट इज मिल जाएगा, बट ये इसको नहीं मिलेगा। ठीक ही चीज हम लगाने वाले हैं है ना इसकी वेलोसिटी निकालने में, ये विजुअल वाला मेथड है, ठीक है। टेल मी वन बुक विच शोज यू दैट वे, ठीक है। बट अब हम बताएंगे पहले मैथमेटिकली, मैथमेटिकली इस वेलोसिटी को निकालेंगे, एंड देन यू विल बी फ्लैबरगैस्टेड कि सर आपने तो मजे बांध दिए सर। पहले इसको वो करते हैं, ठीक है। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट दिस डैम थिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। व्हेन आई डिफरेंशिएट दिस, देखते हैं क्या होता है। तो इज माय वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी डी वाई बाई डी टी, डिफरेंशिएशन ऑफ पोजिशन, बहुत ही बढ़िया सर, ये हो गया डी बाई डी है ना, डी बाई डी टी, ठीक है पहले लिख देते हैं। फिर ये क्या है सर, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है सर। सर अगर इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन तो मज़ा ही आ जाता लाइफ में, ठीक है मज़ा ही आ जाता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डी टी से बाद में कर देंगे सर है ना, पहले इसको मैं ओमेगा टी में कर देता हूँ और ओमेगा टी प्लस फाइव पे यहाँ पे कर देता हूँ। तो तुम्हें दिख रहा होगा, तुम्हें बच्चों दिख रहा होगा कि यार ये तो चेन क्रिएट कर दी मैंने, ये तो मैंने चेन क्रिएट कर दी यहाँ पे चेन रूल से, ठीक है। तो यार ये बात तुम्हें समझ में आ गई, वेरी गुड है ना। तो जब तुम इसको निकालोगे तो यार ये साइन का तो कॉस हो जाएगा और यार यहाँ पे ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। और ए को तुमने कहाँ पे, ठीक है ए अलग से कॉन्स्टेंट था, ए कॉन्स्टेंट था, तो यार इसका डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ओमेगा प्लस जीरो, ओमेगा प्लस जीरो, ठीक है। तो यार ये ए ओमेगा यहाँ पे आ गया, तुम्हें आता हुआ नजर आ गया, ये ए ओमेगा हो गया, सो दिस इज नथिंग बट ओमेगा, एंड इसका कॉस हो जाएगा, ठीक है, ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। सर आई एम वेरी वेरी हैप्पी आई हैव गॉट दिस वेलोसिटी, सर आई एम वेरी हैप्पी आई हैव गॉट दिस वेलोसिटी, वेरी नाइस, ठीक है आई गॉट दिस वेलोसिटी। अब मैं इसको ग्राफिकली इसी चीज को लेके आने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू फाइंड दिस वेलोसिटी अगेन ग्राफिकली, बट उससे पहले मैं कुछ और तूफानी करने वाला हूँ, उससे पहले मैं कुछ और तूफानी करने वाला हूँ। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई सी वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यार यहाँ पे y by a इज साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाइव, तो कैन आई गेट द वेलोसिटी नॉट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बट एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कि अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे y इज इक्वल टू जीरो है, अगर मुझे y इज इक्वल डालूंगा, ठीक है टाइम का फंक्शन नहीं, बट अगर मुझे वैसे करनी, कैसे करेंगे सर बताइए, थोड़ा बहुत ज्ञान हमें भी दीजिए, ठीक है। तो यार ये सारी चीज़ें अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यार इन दैट केस अब तुम क्या करोगे है ना, तुम्हें साइन पता है तो तू कॉस निकाल ले ना, अगर तेरे को साइन पता है तो तू कॉस निकाल सकता है यहाँ से, यूज दिस, बहुत ही सिंपल है ना, साइन पता है यू वॉन्ट कॉस है ना, कॉस क्या होता है अंडर रूट ऑफ है ना, दिस इज नथिंग बट है ना, तो वॉट यू विल डू हियर, तुम यहाँ पे बोलोगे v इज इक्वल्स टू दिस इज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है ना, तो एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा a ओमेगा, कॉस क्या होगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस y बाय a का होल स्क्वायर, y बाय a का होल स्क्वायर, क्योंकि व्हाट इज साइन है ना, व्हाट इज कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, सो तो यार यू नो दिस, कॉस थीटा इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है साइन स्क्वायर थीटा। तो तुमने क्या किया, साइन थीटा तुझे पता है, कॉस थीटा यहाँ पे लिखा है, तो तूने कॉस थीटा को लिख दिया अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वाई बाय ए, बस काम खत्म, एंड यू गॉट दिस एज अ फंक्शन ऑफ वाई, ठीक है। जो तो जब तुम इसको करोगे तो देखो जल्दी से करते हैं इसको, तो यार ये हो जाएगा तुम्हारा ओमेगा टाइम्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये बहुत ही बढ़िया हो गया है ना। तो यार यहाँ से एक और फॉर्मूला आ गया जो बहुत ज़्यादा प्योर गोल्ड है, जो तुम्हें पता होना चाहिए, ये बेटा प्योर गोल्ड है, ये तो वैसे भी याद कर सकते हो तुम, एक सेकंड में डिराइव खुद ही कर सकते हो उसको, बट यार ये तुम्हें पता होना चाहिए, इससे तुम क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व कर सकते हो है ना। अब तुम्हें a बाई टू पे वेलोसिटी निकालनी थी, तो तुम कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, इज दिस एब्सोल्युटली क्लियर है ना, ये बात समझ में आ गई, ये वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, ये एज अ फंक्शन ऑफ पोजिशन है, ठीक है, दिस इज एज अ फंक्शन ऑफ पोजिशन, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजिशन, ठीक है वेरी गुड। तो तुमने ये वेलोसिटी निकाल दी ऑफ अ पार्टिकल इन SHM, अब यार यही चीज क्या मैं ग्राफिकली निकाल सकता हूं सर विदाउट डिफरेंशिएशन सर है ना, लेट्स जस्ट मतलब लेट इट गो टू हेल, ये भाड़ में जाए ये डिफरेंशिएशन, मुझे नहीं करने का है,
मुझे उसको विजुलाइज करने का है, मैं इन वेक्टर्स को देख के कुछ आई वांट टू मेक आउट ऑफ दीज वेक्टर्स, है ना। मैं ये देख रहा हूँ यार ये वेक्टर तो हमेशा कांस्टेंट है, ठीक है, तो यार ये वेक्टर तो हमेशा कांस्टेंट है, तो बताओ जल्दी से इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी इन यूसीएम क्या होगी, जल्दी से बताओ, है ना, ये क्या होगी, आर ओमेगा, ओमेगा इंटू आर, ठीक है, विच विल बी ओमेगा ए, वेलोसिटी इन यूसीएम विल बी ओमेगा इंटू ए, क्या मैं ये बोल सकता हूँ, वेलोसिटी इन यूसीएम इज ओमेगा इंटू ए, क्या ये बोल सकता हूं मैं, ठीक है, तो मतलब ये जो पार्टिकल है ये हमेशा ए ओमेगा से मूव कर रहा है, ये हमेशा ए ओमेगा से मूव कर रहा है, हमेशा ये ए ओमेगा से मूव कर रहा है, हाँ ये अभी भी ए ओमेगा से मूव कर रहा है, ठीक है, मतलब आर ओमेगा, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो हमेशा ये कॉन्स्टेंट ओमेगा से मूव कर रहा है, तो यार ये ए ओमेगा ही होगा, ठीक है। अब एट टाइम टी, अब ध्यान से देखो बच्चों, नाउ दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल, दिस इज एट टी इज इक्वल टू कैपिटल टी, This is equals to at capital T, ठीक है, तो यार ये तुम्हारा क्या है SHM, ये तुम्हारा SHM है, सॉरी ये तुम्हारा UCM है और ये UCM की velocity है, ठीक है, तो यार ये इसे बताओ, ये हो गया तुम्हारा UCM, इसकी shadow, इसका shadow महाराज यहाँ पे है, ये ऊपर जा रहा है, तो इसकी shadow कहाँ जा रही है, shadow ऊपर जा रही है, इसकी velocity थोड़ी कम होगी इससे, इसकी if you do that, अब जल्दी से देखो बच्चों, यार इसकी वेलोसिटी यार यहाँ पे क्या हो जाएगी, ए ओमेगा कॉस थीटा, सॉरी यहाँ पे हो जाएगी ए ओमेगा कॉस थीटा, और यार यहाँ पे हो जाएगी ए ओमेगा साइन थीटा, ए ओमेगा कोसाइन स्टिक्स होता है ना, साइन थीटा, तो यार ऑब्वियसली बात है, अरे छी हाँ रुको, इसकी जो वेलोसिटी होगी वो इसके बराबर होगी ना, उसके बराबर होगी, तो तुम क्या लिखोगे, वी इज इक्वल्स टू ए ओमेगा कॉस थीटा, V इज इक्वल्स टू ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, डिड यू डू एनी डिफ्रेंशिएशन या यू यूज द फंडा ऑफ वेक्टर्स, सेम आ गया, सेम आ गया, फील आ गई, गिव मी अ थम्स अप, समझ में आ गया एवरी वन, जल्दी से कीप शेयरिंग इट विद द हैशटैग द वर्ल्ड शुड एक्चुअली नो दिस, ठीक है, समझ गए, ओके। तो यार अब इसमें तुमने देखा कि तुमने बेसिकली इसको तोड़ा, तुमने बोला यार ये हो जाएगा ए ओमेगा साइन थीटा, और यार ये हो जाएगा ए ओमेगा कॉस थीटा, और तूने बोला कि यार ये तो और ये तो बराबर है, तो ये इसका विजुअल वे हो गया, दिस इज द विजुअल अप्रोच ऑफ गेटिंग द सेम थिंग, डिफरेंशिएशन जो हर किताब में मिल जाएगा, मैथमेटिक्स, इसके बाद वाली मैथमेटिक्स, और ये हो गया तुम्हारा विजुअल वेक्टर्स वाला मेथड, है ना, तो अगेन दिल वेक्टर वेक्टर हो जाता है, ठीक है, ओके। अगर तुम्हारा वेक्टर्स वीक है तो तुम वेक्टर्स की प्लेलिस्ट देख सकते हो jlivedaily2.o/livedaily.me/jmicro वेबसाइट पे, आगे बढ़ते हैं, उसको मिस मत करना, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल, उसके बाद तुम इसको डिफरेंशिएट करते हो फिर से, है ना, तो बेसिकली अब यहां पे कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती हैं, यहां पे कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती हैं अबाउट वेलोसिटी, अब यार यहां पे ये वेलोसिटी तुम्हारा ये आ गया है, ठीक है, अगर ये तुम्हारा वेलोसिटी आ गया है तो यार अब इससे थोड़ा बहुत तात्पर्य निकालो, है ना, यार यहां पे वी मैक्स और वी मिन निकालो, वी मैक्स वी मिन एंड वी मैक्स क्या होगा, वी मैक्स इज ओमेगा ए, ये क्या होगा जीरो, है ना, देखो एट y इज इक्वल्स टू जीरो, जब तुम y इज इक्वल्स टू जीरो रखते हो यहाँ पे, इसको मैक्सिमाइज करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है, तो रूट में जो भी है उसको मैक्सिमम रखना है, ये वेरिएबल है ना y, तो एट y इज इक्वल्स टू जीरो तुम्हें दिख भी रहा है, तुम्हें यहाँ पे दिख भी रहा है, देखो देखो इसकी ये वेलोसिटी वेक्टर मैक्सिमम यहाँ पे थी, y इज इक्वल्स टू जीरो पे इसकी मैक्सिमम थी, ठीक है, हाँ ओमेगा ए इज जीरो एट y इज इक्वल्स टू जीरो, एंड ये मिनिमम कब होगा, ये जीरो मिनिमम हो सकता है ना, क्योंकि ये ओमेगा तो कांस्टेंट है, रूट वाला पॉजिटिव होगा, ये मिनिमम ये चीज जीरो हो सकती है जब वाई ए हो या माइनस है, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे ये वी मैक्स सॉरी वी मिनिमम जीरो हो जाता है, उल्टा लिख दिया, वी मिन और वी मैक्स उल्टा लिख दिया, ठीक है, ये मैक्स है ये मिन है, तुम समझ गए ना यार, दैट्स इंपॉर्टेंट, ये वी मिनिमम है ये v मैक्सिमम है, यहाँ पे तुम देख रहे हो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम यहाँ पे होती है, देखो ये वेक्टर मैक्सिमम है, और ऑब्वियसली बात है क्योंकि दोनों ये भी ऐसे जा रहा है ये भी ऐसे जा रहा है, तो उसकी शैडो की मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, जब ये खुद यहाँ पे आ रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट ही नहीं होगा, ये तो भिड़ रहा है स्क्रीन से, ठीक है, यहाँ पे भी ये भिड़ रहा है स्क्रीन से, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, विजुअली भी समझ गए, बेसिकली यू हैव कैप्चर्ड इट मैन, यू हैव कैप्चर्ड इट, तुम्हें ये एक सिंपल सा इक्वेशन होता है SHM का, बट SHM को हमेशा UCM से विजुअल बनाया जाता है, ठीक है, बहुत बढ़िया, और इसके बाद तो तुम कर सकते हो यार, तुम मतलब महान हो, तुम कर लेना इसके बाद, आगे अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की, अब तुमने ना ये निकाल लिया है,
अब तुमने ये निकाल लिया है, अब मैथमेटिकली निकालता हूँ, फिर मैं विजुअली फिर से बताऊंगा, फिर से तुम्हें बड़ा मजा आने वाला है ना। ये अगेन तुमने एक ऐसी चीज होगी जो तुमने देखी नहीं होगी, ठीक है। एंड यू विल बी ब्लोन अवे। इफ यू आर ब्लोन अवे, हैशटैग ब्लोन अवे इंस्टाग्राम स्टोरी पे आ जाना चाहिए, ट्विटर मेंशन पे आना चाहिए, ठीक है। एक बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूँ। ये तुम्हारा इक्वेशन ऑफ SHM था, ये तुम्हारा एक इक्वेशन ऑफ SHM था, ठीक है। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये तुम्हें बताता था कि तुम्हारी पोजीशन क्या है एट एनी टाइम, है ना। तो बेसिकली ये तुम्हें ये बताता था। अब तुम्हें एक्सेलरेशन निकालना है, तो तुमने डिफरेंशिएट किया, वेलोसिटी आ गई। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करो, एक्सेलरेशन आएगा। डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो बेसिकली एक्सेलरेशन तुम्हारा क्या आएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी विल बी इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ दिस मसाला थिंग, वॉट एवर दिस थिंग इज। तो ए ओमेगा ले लो, है ना। फिर यार यहाँ पे ले लो कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। अब तुम्हें साफ साफ दिख रहा है यार, इसमें तो एक ही वेरिएबल है सर, इसमें तो एक ही वेरिएबल नज़र आ रहा है मुझे, एंड दैट इज टी, ठीक है। एक ही वेरिएबल नज़र आ रहा है, बट यार ये ओमेगा टी प्लस फाइव होता तो मज़ा आ जाता लाइफ में, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि कोई टेंशन नहीं है, डी टी को खसका दो, डी टी को खसका दो, है ना। पहले डिफरेंशिएट मत करो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, पहले इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू दिस मसाला, ठीक है। तो ये तुम लिख दो ओमेगा टी प्लस फाइव यहाँ पे, और इसको भी लिख दो ओमेगा टी प्लस फाइव। तो यार अब इसको डिफरेंशिएट तुम कर पाओगे, तो जब तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ए ओमेगा तो बाहर निकल के आ जाएगा, कूद के आ जाएगा, ये भी ओमेगा हो जाएगा तुम्हारा, ये भी ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। यू कैन क्लियरली सी दिस विल ऑल्सो बी ओमेगा, है ना। तो इसको ओमेगा स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पे, ओमेगा स्क्वायर कर देते हैं, ए ओमेगा स्क्वायर। और कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन, माइनस साइन होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, क्योंकि माइनस आ रहा है तो यार यहाँ पे मुझे एक नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, है ना। तो यार यहाँ पे मुझे एक नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। इक्वल टू, अगर यहाँ पे एक नेगेटिव साइन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यार ये तुम्हारा एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। बहुत ईजिली तुम्हारा एक्सेलरेशन आ गया, है ना, बहुत ईजिली तुम्हारा एक्सेलरेशन आ गया। और तुम्हें क्लियरली दिख रहा है कि यार यहाँ पे y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब मैं तुम्हें ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे कि नमो सर, ये देखो a और ये तुम्हें y देते हैं, a और ये तुम्हें y देते हैं, ठीक है। तो यार ये तो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया यहाँ पे, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, एज अ फंक्शन ऑफ, इसको रटने की जरूरत नहीं है, है ना, बट दिस इज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब इसको थोड़ा और प्यार से लिखोगे तो ये आ जाएगा a इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। वाओ ब्यूटिफुल, एंड दिस इज एन इक्वेशन ऑफ SHM। इसीलिए यहाँ से तो डेफिनेशन आती है कि a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई, ठीक है, यही तो होता है। एंड दिस इज SHM, दिस इज SHM, एंड दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, जो माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई आ रहा है ना, ठीक है। सो दिस इज द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। गुड, ये तुम्हारा आ गया। और पता है एक इंटरेस्टिंग सी चीज, अब इसी चीज को ना थोड़ा सा भयानक वे में लिखोगे। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट जैसे एक्सेलरेशन वॉज डी टू वाई बाई डी डी टी स्क्वायर, है ना, डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर, इसका डबल डिफरेंशिएशन। सो यू कैन ऑल्सो राइट इट इन दिस फॉर्मेट, और इसी को तुम कहते हो बेसिक डिफरेंशिएशनल, बेसिक डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM भी कहते हैं इसको, अगर तुमने इसको ऐसे लिख दिया, है ना, थोड़ा भयानक फॉर्म में, ठीक है। तो बेसिकली प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई, ये यही तो इसी का दूसरा रूप है, इसी का जुड़वा रूप है, है ना। इसको कहते हैं बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM, ठीक है, इसी का भयानक रूप है ना, समझ गए मेरी बात। तो बेसिकली अगर SHM किसी मोशन को प्रूव करना होता है तो तुम्हें ये प्रूव करना होता है कि उसका एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, है ना, नेगेटिव में, ठीक है, समझ में आ गई। तो यार ये तो BDE होता है, बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM, जो ये फॉर्म होता है। तो दिस इज नथिंग बट दिस, इट इज द सेम थिंग रिटन इन अ भयानक फॉर्मेट, इट इज द सेम सेम, ये जुड़वा ही है एक तरीके से, एक तरीके से जुड़वा ही है, है ना। और अब यार यहाँ पे अब देखो, जो जो बुक में लिखा होता है वो पहले तुम्हें पूरा बता देते हैं। अब मुझे जल्दी से बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इस चीज की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, जो तुम्हारा SHM हो रहा है, जो तुम्हारा SHM हो रहा है वो y इज इक्वल्स टू माइनस a और a के बीच में हो रहा है। तो यार यहाँ पे थोड़े और चीजें लिख देते हैं, व्हाट इज ए मैक्स एंड व्हाट इज ए मिनिमम, ठीक है, व्हाट इज ए मैक्स एंड व्हाट इज ए मिनिमम इन मैग्नीट्यूड, इन मैग्नीट्यूड। तो यार ए मैक्स विल बी तुम्हारा विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए, है ना, ओमेगा स्क्वायर ए, एंड ए मिनिमम विल बी इक्वल टू जीरो। तुम साइन में मत जाओ, ठीक है, हम खाली इसमें मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, हम खाली मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं,
ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो ये होगा एक्सट्रीम पोजिशन पे, ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहाँ होगा, जहां पे इसका फोर्स मैक्सिमम होगा, जल्दी से बताओ, है ना। एक SHM का फोर्स मैक्सिमम कहाँ होता है, एक SHM का, है ना, SHM कहाँ है, कहाँ गया SHM, ठीक है, एक SHM का, है ना, फोर्स मैक्सिमम कहाँ होता है, उसका मैक्सिमम फोर्स होगा जहां पे एक्सट्रीम पोजीशन पे, है ना, जहां पे स्प्रिंग इलॉन्गेटेड होगी, यहां पे स्प्रिंग कंप्रेस्ड है, तो मैक्सिमम फोर्स एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा। और यार यहां पे तो मीन पोजीशन है ना, यहां पे तो नेचुरल लेंथ या जो भी, मतलब तुम्हारा एक्सेलरेशन जीरो होता है यहां पे, ठीक है। तुम्हें ये बात समझ में आ रही थी यहां से, हाँ इससे समझ में आ रही थी, ठीक है। यहां पे तुम्हारा स्प्रिंग फोर्स नहीं लग रहा है, एक्सेलरेशन यहां पे जीरो होगा तुम्हारा, ठीक है। और यहां पे तुम्हारा पूरा स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, तो पूरा मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा। हमेशा विजुलाइज करके क्या करो, बट ये SHM X पे हो रहा था, ये SHM X पे हो रहा था, ठीक है, वो Y पे हो रहा है, ठीक है, वो Y पे हो रहा है, ठीक है। तो अगर X पे SHM कराना है तो उसका इक्वेशन क्या होगा, अगर X पे SHM कराना है तो उसका इक्वेशन क्या होगा, उसका इक्वेशन हो जाएगा जैसे ये Y का इक्वेशन होता है ना, है ना, तो उसमें X कर दो बस, SHM on Y, ये Y ऐसे ऐसे चेंज हो रहा है Y, है ना, X is equals to A sin omega t plus Y, तो X पे SHM हो रहा है, X पे हो रहा है, तू तो Y पे कराना, हम तो Y पे कराएंगे, ठीक है ना, समझ गए मेरी बात। And the reason for that Y is in this lecture, okay, clear है, okay, is this understood, आगे बढ़ते हैं यार, ठीक है, तो ये समझ में आ गया, आगे बढ़ गए, ठीक है, clear है, is this understood, ठीक है। तो यार ये आपकी बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई SHM की, जहां पे यार ये मिनिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, अब हमने ये यहाँ पे लिख दिया है। और यार ये कहाँ पे हो रही है, जल्दी से बताओ, दिस इज हैपनिंग एट y इज इक्वल टू जीरो, मतलब ये होती है मीन पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन जीरो होता है, ये होती है एक्सट्रीम पोजिशन पे, एक्सट्रीम्स पे होती है, मतलब ये होती है y इज इक्वल टू प्लस माइनस a पे, y इज इक्वल टू प्लस माइनस a पे होती है ये चीज। अब नमो सर बहुत हो गया, एक्सेलरेशन कैसे बताओगे, वेलोसिटी तो आपने बता दिया था सर, है ना, एक्सेलरेशन कैसे बताओगे है ना, तो चलो एक्सेलरेशन के लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है हमें बताना, बड़ा ही सिंपल है, सुनना पहले सुनना, ये फिर से वो तुम्हारी स्क्रीन आ गई, ठीक है, ये जो तंत्र दे रहा हूं ना मैं तुम्हें, ये तंत्र तुम्हें मिलेंगे नहीं वैसे, है ना, ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, फ्री में बहुत कुछ मिल रहा है तुम्हें, और अगर मानते हो तो लिखना, हाँ सर, और मिलता रहेगा, क्योंकि अभी हम 3.0 पे आ रहे हैं। But I was talking to someone really big today, है ना, technically. तो अभी रुको, आगे आगे देखते रहो क्या होता है, ठीक है। अब अगर ये तुम्हारी गाड़ी है, ये तुम्हारी गाड़ी यहाँ पे accelerate कर रही है, ठीक है, accelerate कर रही है, let's say acceleration is 2. Simple. तुम्हारी shadow, है ना, ये वाला acceleration ले ले, यहाँ पे तू गाड़ी को कितना ही accelerate करे, ये accelerate नहीं करेगा, यहाँ पे accelerate कर, ये भी accelerate करेगा, ठीक है। तो basically तेरे को parallel वाला acceleration देखना है, parallel to the screen acceleration देखना है, ठीक है, shadow के लिए, यहाँ पे light आ रही है, तो basically तुझे वो वाला acceleration देखना है, that's it, ठीक है। चलो सर अब हम acceleration देखेंगे, ठीक है, acceleration देखो, acceleration ऑपरेशन एक्सेलरेशन ऑन, ठीक है, एट टी इज इक्वल टू जीरो, इसके एक्सेलरेशन की बात हो रही है, ये टी इज इक्वल टू टी है, ये टी इज इक्वल टू टी है, ये तो लिख दिया है। बेटा एक चीज मुझे बताओ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर इसकी वेलोसिटी ऑफ UCM इज इक्वल टू ओमेगा ए, ठीक है, तो बेटा इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन UCM का क्या होगा, ये ए रेडियल एक्सेलरेशन होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है, रेडियल एक्सेलरेशन है, ठीक है, इसका रेडियल एक्सेलरेशन है। तो अब हम बात करेंगे इसकी, ठीक है, अब हम बात करेंगे इसकी शैडो की। तो बेटा यार ये बताया था ना, ये स्क्रीन है तेरा, समझ गए मेरी बात, ये स्क्रीन है तेरा, इसमें गाड़ी ऐसे एक्सेलरेट कर रही है, एक ही एक्सेलरेशन है इसका, जो किस चीज़ के बराबर है, वो है इसकी वी स्क्वायर बाय आर होता है ना, ये वी स्क्वायर बाय ए, वी UCM का स्क्वायर, है ना। रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है, वी स्क्वायर बाय आर, है ना, तो इसकी वेलोसिटी पता है तुझे, ओमेगा ए इसकी वेलोसिटी है, तो बेसिकली वी स्क्वायर बाय ए होगा, है ना, अब करेंगे बेटा, सब करेंगे, वी विल डू इट, है ना, तो तूने ये निकाल दिया, है ना, तूने ये निकाल दिया, है ना, बाय ए होगा, ठीक है। तो यार अब तू खुद मुझे बता, तू खुद मुझे बता यार, ये क्या है, एट एन एंगल थीटा, ये क्या हो जाता है, थीटा इज ओमेगा टी प्लस फाइव, तुझे बताया था ना थीटा क्या है, एट अ टाइम टी दिस इज थीटा, है ना, थीटा इज ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है, मैंने इसको थीटा ले लिया, मैं यार ये एंगल निकालना चाहता हूँ, ये क्या है, 90 माइनस थीटा है सर,
ये 90 माइनस थीटा है, मुझे ये वाला कंपोनेंट चाहिए एक्सेलरेशन का, मुझे सर ये वाला कंपोनेंट चाहिए एक्सेलरेशन का, काम खत्म, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये वाला कंपोनेंट चाहिए एक्सेलरेशन का, जो इसका भी होगा जो इसका भी होगा। क्या होगा ये एक्सेलरेशन का कंपोनेंट, जल्दी से बताओ ये एक्सेलरेशन का कंपोनेंट क्या होगा, ए आर कॉस ऑफ 90 डिग्रीज माइनस थीटा, ठीक है। फिर इसका भी एक्सेलरेशन क्या होगा, ए आर कॉस 90 माइनस थीटा, और यार यही मेरा एक्सेलरेशन होगा पार्टिकल का, है ना, यही मेरा एक्सेलरेशन होगा पार्टिकल का एट अ टाइम टी, है ना। तो ऑब्वियसली बात है जब ये ऊपर जा रहा है तो ये रिटार्ड कर रहा है, ऑब्वियसली बात है जब ये एसएचएम जा रहा होता है यहाँ पे रुक रहा होता है, फिर ये यहाँ पे एक्सेलरेट कर रहा होता है, हमेशा रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन होता है, टुवर्ड्स द मीन पोजिशन एक्सेलरेशन होता है। चलो अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, है ना। तो बेसिकली अपन ने ये कर लिया, तो अब अपन ने लिखा है ए आर इज इक्वल्स टू, अब थोड़ा सा है ना ये करते हैं, ए रिस्टोरिंग साइन थीटा, साइन थीटा क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा तुम्हारा ए रिस्टोरिंग साइन थीटा, ठीक है साइन थीटा। अब ए रिस्टोरिंग क्या है बेटा, ए रिस्टोरिंग क्या है ना, ये चीज़ है, ठीक है ये चीज़ है, इसको यहाँ पे डालते हैं, देखते हैं क्या आता है ना। तो ये ए है, अरे क्या कर रहा हूँ मैं यार, ये क्या कर रहा हूँ मैं, है ना, ये ए है ना, इसका एक्सेलरेशन ए है ना। तो अब ये ए रिस्टोरिंग क्या है बच्चे, ए रिस्टोरिंग है तेरा, है ना, ओमेगा ए का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा तेरा वेलोसिटी इन यूसीएम, वेलोसिटी इन यूसीएम का होल स्क्वायर अपॉन रेडियस, है ना, वी स्क्वायर बाय आर ए, है ना, इनटू साइन थीटा। अब यार ये वी यूसीएम क्या है, ओमेगा ए, है ना, तो इसको लिखो ओमेगा ए का होल स्क्वायर अपॉन ए इनटू साइन थीटा, ठीक है। तो क्या आ रहा है, आ गया ना ओमेगा ए, ओमेगा ए है ना, ओमेगा स्क्वायर है ना, तो ये क्या आ गया, जल्दी से बताओ ये क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर ए, बेटा जल्दी से देखो ये कितना आ गया, ओमेगा स्क्वायर ए, है ना, ओमेगा स्क्वायर ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, ओमेगा टी प्लस फाई, और ये कहाँ है, नीचे के डायरेक्शन में ना यार, ये वही चीज़ आ गई ना, सेम चीज़ आ गई, है ना, कहाँ गई यार, एक्सेलरेशन कहाँ गया, एक्सेलरेशन कहाँ गया, हाँ एक्सेलरेशन ये आया था ना माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, ना तो ये सेम चीज़ आ गई बट ये नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा ना। तो बेसिकली दिस इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि तुमने विजुअली किया है तो ये नीचे के डायरेक्शन में आएगा, दिस इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना। इफ द अपवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव, सो बेसिकली अब अगर अपवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव तो यार ये तेरा डाउनवर्ड में आ गया, तो तू नेगेटिव साइन खुद लगा लेना। सो दिस इज जस्ट अ विजुअल वे टू अंडरस्टैंड, ये खाली विजुअल वे है अंडरस्टैंड करने का, तुम रेफर इसको करना, ठीक है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई, बस ये यहीं तक था। अब एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कि तुम्हें कितना समझ में आया, कितना समझ में आया, इसको पूरा रिवाइज करना, पहला लेक्चर मल्टीपल टाइम्स देखना। अब एक सवाल मैं तुम्हारे तरफ फेंक रहा हूँ, तुम्हारी तरफ फेंक रहा हूँ, जो बहुत ज़्यादा जरूरी है कि मैं फेंकूँ, ठीक है समझो, है ना, ठीक है। बट फेंकने से पहले एक और चीज़ है जो मैं बताना चाहता था, है ना, जो मैंने तुम्हें बताई नहीं है अभी तक, है ना, जो मैंने तुम्हें बताई नहीं है अभी तक, ठीक है। एंड दैट इज टाइम पीरियड, है ना, टाइम पीरियड, कि एसएचएम में टाइम पीरियड का क्या सीन होता है यार, नमो सर टाइम पीरियड का क्या सीन होता है, टाइम पीरियड का तो आपने कुछ बताया नहीं सर, है ना, टाइम पीरियड मतलब, हाँ सुनो अभी बताता हूँ, है ना। तो अगर ये एसएचएम हो रहा है तो उसका टाइम पीरियड अगर निकालना है तुम्हें, है ना, अगर इसका टाइम पीरियड निकालना है, ठीक है, तो ओमेगा, जैसे मैंने बताया था ना, अगर तेरे को ओमेगा पता है तो तेरे को सब पता है, तुझे यूसीएम का भी ओमेगा पता है, तो ओमेगा फ्रीक्वेंसी से एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल लिया, ओमेगा टू पाई न्यू से टाइम पीरियड निकाल लिया, तो बेसिकली ये इनमें से कुछ भी पता है तेरे को सब पता है, ये हमेशा ध्यान रखना, ये पता है तो सब कुछ पता है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसके लिए भी अब यार ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है समझना, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब तेरा एसएचएम हो रहा है, ठीक है, लेट्स गो बैक इन टाइम, ठीक है, तो जब तेरा एसएचएम हो रहा है, कुछ और फंडे बताना चाहता हूं बिफोर वी गो टू दैट क्वेश्चन, हाँ, अब जब तेरा एसएचएम हो रहा होता है, सुन मेरी बात, तो यार यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगता है तेरे को, देखो सुनो ध्यान से, ये एसएचएम वाला भाई है तेरा, है ना, यहाँ से लेकर देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक तेरे को टी बाय टू लगता है, देखो टी बाय फोर लगता है, ये टी बाय फोर है, क्योंकि ये तो यूसीएम है, यहाँ से तू बोल सकता है ये टी बाय फोर है, 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 कैपिटल टी बाय फोर, टाइम पीरियड, ये पूरा टाइम पीरियड है, तो यहाँ से यहाँ तक 1/4 टाइम लग रहा है, तो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक 1/4 टाइम लग रहा है। बट रिमाइंड यू, जब ये 45 डिग्री जाता है ना, तो ये ए बाय टू नहीं जाता, 45 डिग्रीज पे बेटा, 45 डिग्रीज पे ये a बाय रूट टू जाएगा, ये a बाय टू नहीं जाएगा, ये a बाय रूट टू जाएगा, यहाँ पे a बाय टू नहीं गया, a बाय रूट टू गया, तो बेसिकली यहाँ से लेकर यहाँ तक ये यूनिफॉर्मली नहीं जाता,
समझे, ये साइन का फंक्शन है, ये यूनिफॉर्मली नहीं जाता। बट अगर तुम देखो यहां से यहां तक की बात करो SHM में, जब ये यहां से यहां तक जाता है तो इसको टी बाय फोर टाइम लगता है, यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक। फिर ये जब यहां से लेकर यहां तक आता है तो SHM में यहां से तक आता है, तो यार इसको भी टी बाय फोर लगता है। तो बेसिकली तुझे पता चल गया कि यहां से लेकर यहां तक टी बाय टू टाइम लगता है, यहां से लेकर यहां तक टी बाय टू टाइम लगता है। बट अगर तुझे बीच की बात करनी है ना, अब तूने बोला जीरो से ए मेरे को टी बाय फोर लग रहा है, अब तू ये नहीं बोल सकता जीरो से ए बाय टू मुझे टी बाय एट लग रहा है, ये मत बोल देना, लपड़ खाएगा। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ये नहीं होना चाहिए, प्लीज अंडरस्टैंड, समझ गए? क्योंकि यार यहां से लेकर यहां तक तो साइनोसॉइडल फंक्शन है ना, साइनोसॉइडल फंक्शन है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। तो यार देख इसको पूरा ये करने में, ये यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं हो रहा, ये यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं हो रहा, इसकी स्पीड यहां से घट रही है फिर बढ़ रही है, एक्सीलरेट हो रही है, समझ रहे हो ना मेरी बात? तो ये बात तुझे समझ में आ गई। तो यार यहां से लेकर यहां तक तुम ये लॉजिक लगा सकते हो, जब ये यहां से यहां तक जा रहा है तो ये टी बाय फोर टाइम है, ये टी बाय फोर टाइम है, ये टी बाय फोर टाइम है, ये टी बाय फोर टाइम है। टाइम का थोड़ा सेंस देना चाहता था, अगली क्लास में तू और बढ़ेगा अपने दिमाग से, है ना? बट उससे पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? ओके, आई थिंक इन्फॉर्मेशन इज इनफ। दो तीन बार देखोगे तुम, कभी भी SHM के फंडे तुम्हारे गलत नहीं होंगे, है ना? अब आई विल टेल यू मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग द सेम प्रॉब्लम। मैं सच बता रहा हूँ, ये प्रॉब्लम करना एक सेकंड में कर सकता है तू, एक सेकंड में कर सकता है, बट मैं चाहता नहीं हूँ कि तू एक सेकंड में करे। मेथड वन इज विजुअल मेथड, जो तेरे को कहीं नहीं मिलेगा। मेथड वन इज विजुअल मेथड, बट जो तेरे को कहीं नहीं मिलेगा। दिस इज नॉट द फास्टेस्ट मेथड फॉर बट दिस इज अ फन मेथड, पहले ही बता रहा हूँ, दिस इज अ फन मेथड, ठीक है? सो दिस इज एक्सक्लूसिव, दिस इज अनअकैडमी चाहिए एक्सक्लूसिव, ठीक है ना? समझ गए मेरी बात? है ना? सुनना, तो सबसे पहले यार ये तेरा SHM हो रहा है, ये तेरा UCM हो रहा है। अ पार्टिकल इज अंडरगोइंग SHM विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 1 meter, y में करा SHM, ठीक है? 1 meter, ओके, वेरी नाइस सर, 1 meter, है ना? एम्पलीट्यूड कितना है सर? 1 meter, बहुत ही बढ़िया। SHM का एम्पलीट्यूड है 1 meter, 1 meter, ठीक है? तो यार ये तेरा है 1 meter, क्लियर है? इसका टाइम पीरियड गिवन है, तो ओह माय गॉड सर, टाइम पीरियड गिवन है सर, विच इज 11/7, पाई बाय 2 है बेसिकली, 11/7। मैंने क्या बोला था, इसके चट्टे बट्टे कौन से होते हैं? ओमेगा एंड न्यू, इसके चट्टे बट्टे ना ये, है ना? तो बेसिकली अब तुमने क्या लिखा यहां से, ये पता है तो सब कुछ पता है, तो ओमेगा निकाल ले, इसका ओमेगा आ जाएगा, लाइफ में थोड़ी शांति आएगी हमारी, है ना? ठीक है, ओमेगा निकाल लेते हैं। तो इसका जो ओमेगा है वो क्या आएगा देखते हैं, इस टाइम पीरियड से, इसके टाइम पीरियड से ओमेगा भी आ जाएगा। चलो ओमेगा क्या आएगा, ओमेगा हो जाएगा 2π/T, क्यों 2π/T? क्योंकि ओमेगा इनटू टाइम पीरियड 2π रेडियन होता है ना, ओमेगा, है ना? तो समझ गया मेरी बात, ओमेगा इज 2π(ν) या 2π/T, ठीक है? वो आ गया, बहुत ही बढ़िया। तो अब अगर तुमने ये ओमेगा निकालना चाहा तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 22/7 अपॉन 11/7। तो बेटा यार यहाँ से क्लियरली ये 2 से जाएगा, ओमेगा तेरा 4 आ जाएगा, 4 radians per second। वाओ, तेरे को 4 मिल गया। ये बेसिकली इस इन्फॉर्मेशन में कुछ इन्फॉर्मेशन छुपी हुई थी। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द मोमेंट व्हेन इट इज एट y = है ना, y = हाँ, बट हम साथ साथ ये भी करा रहे हैं, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। मैं तेरे को ये विजुअली कराना चाहता हूँ क्वेश्चन, ठीक है? तो अब देखो, नाउ व्हाट हैपेंस इज यहां से तेरा दिमाग असल में डेवलप होगा। तो देख, नाउ यू वांट टू फाइंड आउट व्हेन विल दिस पार्टिकल, बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, जब ये पार्टिकल यहां पे होगा y = 0.6 पे होगा ना, तो तेरे को बताना है इसकी वेलोसिटी क्या होगी, उस टाइम पे तेरा UCM क्या कर रहा होगा, UCM वुड बी फूलिंग अराउंड हियर, है ना? जब ये ऊपर जा रहा होगा, ये ऐसे जा रहा होगा, ऊपर नीचे कोई सा भी ले लो, इसकी वेलोसिटी थोड़ी ज्यादा होगी क्योंकि ये इसका कंपोनेंट होगा एक, है ना? तो इसकी वेलोसिटी, समझ गए ना मेरी बात? तो यार इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जल्दी से बताओ। ओमेगा ए, ये तो सिंपल सा वो मोशन कर रहा है सर, ये तो ओमेगा ए होगी वेलोसिटी सर, इसकी वेलोसिटी तो ओमेगा ए होगी, ठीक है? लेट्स कॉल दिस वेलोसिटी एज, है ना, लेट्स कॉल दिस वेलोसिटी एज v1, इस वेलोसिटी को मैंने v1 बोल दिया, है ना? ये ओमेगा ए कितना आएगा, ए तो तेरा 1 है ना, ये 4 है, 1 meter है, ये 4 radians per second है, तो 4 meters per second आ जाएगी ये वेलोसिटी, ये आ गई तेरी 4 meters per second, 4 meters per second सर। आई एम वेरी हैप्पी आपने ये निकाल लिया। नमो सर, मुझे ये भी पता है कि यार ये पता है क्या है, ये 0.6 meter है। अब अगर मैंने ये ऐसे ऐसे ड्रॉ किया, ये ऐसे ऐसे ड्रॉ किया, तो पता है सर, अब पता है क्या होगा, अब एक बहुत औसम चीज़ होगी सर, अब एक बहुत औसम चीज़ होगी, ये तुम्हारे विजुअल लर्निंग में इंटरफेयर करेगा, बताता हूँ क्यों।
है ना। ठीक है, अब मैं बताता हूँ यार, ये देखो ये वन हो गया, नमो सर ये वन हो गया, ये आपका 0.6 हो गया। लेट्स कॉल दिस एंगल एज थीटा, लेट्स कॉल दिस एंगुलर पोजिशन एज थीटा। ठीक है, ओमेगा तुम्हारा 4 है। ठीक है, तो सर ये थीटा तो बहुत आसानी से आ गया ना मेरा, साइन थीटा इज 0.6 बाय 1 विच इज 3/5। सो सर मेरा थीटा तो 37 डिग्री आ गया, मेरा थीटा तो 37 डिग्री आ गया, मेरा थीटा तो 37 डिग्री आ गया। ये वेलोसिटी जो मुझे निकालनी है इसको मैंने v बोल दिया, इस वेलोसिटी को मैंने v बोल दिया, लेट्स कॉल दिस वेलोसिटी v। तो मैंने क्या बोला, 4 cos थीटा इज v। व्हाट इज v, v इज v1 cos थीटा, उसी फंडे से, शैडो वाले फंडे से ना। देखो 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 देखो, ये थीटा है तो तुम थोड़ी सी मेहनत करोगे, 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 डिग्रीज है, तो यार ये तुम्हारा थीटा हो जाएगा। तो बेटा ये वाली जो कंपोनेंट होगी ये हो जाएगी v1 cos थीटा, और यार ये हो जाएगी v1 sin थीटा। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो शैडो में ये वाली वेलोसिटी मैटर नहीं करेगी, ये वाली पूरी आ जाएगी। ठीक है, ये वाली पूरी आ जाएगी, है ना। तो बेसिकली इस फंडे से तुमने क्लियरली बोल दिया ये चीज, v इज इक्वल्स टू 4 cos 37 डिग्रीज, 4 इंटू 4/5 या 0.8, 3.2 मीटर्स पर सेकेंड। दिस इज द विजुअल मेथड, ये विजुअल तरीका इसको करने का, ये सोल्यूशन तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। इंस्टेंट पता है, इस सोल्यूशन को देख के तो काफी सारे लोग तुम्हें मॉक कर देंगे, तू ऐसे क्यों कर रहा है यार, ये तो सिंपल है। प्लीज अंडरस्टैंड, इसकी ब्यूटी अलग है, तुम समझ नहीं सकते इसकी ब्यूटी। और तुम्हें इसकी ब्यूटी कब समझ में आएगी मैं बताऊंगा, ये मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा, कौन से सेकंड या थर्ड लेक्चर ऐसा आएगा जब तुम्हें इसकी ब्यूटी समझ में आएगी जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं अभी। ठीक है, इसकी ब्यूटी तभी समझ में आएगी जब बहुत खतरनाक सवाल होगा ना, जो तुमसे ऐसे हिलेगा नहीं, है ना, तुम्हारी औकात, किसी की औकात नहीं होगी उसको वैसे करने की। मतलब मैं बता रहा हूं उसका सोल्यूशन तो मुझे आज समझ में ना आए अगर मैं देखूं तो मैथमेटिकली, तो इसीलिए मैं बताना चाहता हूं कि कैसे तुम इसको इंटरेस्टिंग बना सकते हो। ठीक है, तो यार ये एक मेथड वन है। मेथड टू क्या है, सर हमें निकालना है सर y इज इक्वल्स टू 0.6 पे, वेलोसिटी हमें ये निकालना है सर, सर एक फॉर्मूला हमें याद है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का, ओमेगा ए स्क्वायर, सारे फॉर्मूले x से रिप्लेस कर देना अगर SHM x में हो रहा है तो। ठीक है सर, ये फॉर्मूला है हमारे पास, ओके। टाइम पीरियड गिवन है सर, टाइम पीरियड इज गिवन है 11/7। सर ओमेगा निकाल सकते हैं, ओमेगा, हाँ ए गिवन है 1, चलो बहुत ही बढ़िया, ए गिवन है 1, ओमेगा निकाल सकते हैं, ओमेगा कितना होगा 2π/T, कैपिटल टी। ठीक है, तो यार यहाँ से ओमेगा आ गया तेरा 4। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, तो यार यहाँ से तेरा ओमेगा आ गया 4। नाउ यू आर गोइंग टू डू सम आक्रमण, ठीक है, नाउ यू आर गोइंग टू डू सम आक्रमण, ये आक्रमण अब तो बच्चा भी निकाल देगा ना। बस ये ब्लाइंड मेथड है यार, बट यूज कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, यू शुड नो दिस, मैं बता रहा हूँ ना, कभी कभी दिमाग नहीं चलाना, नहीं पेन उठाना, तो ये कर सकते हो, दिस इज अ गुड वे। ठीक है, यू विल अप्रिशिएट बोथ, इफ यू अप्रिशिएट बोथ राइट इट इन द कमेंट्स दैट यू अप्रिशिएट बोथ। ठीक है, ओके ओमेगा, और अगर मजा आ गया तो बेटा इंस्टा स्टोरी पे आ जाना चाहिए, ठीक है ना, तो तुम्हें म्यूजिक हमारा पता है ऑलरेडी। ठीक है, चलो ग्रेट, सो दिस इज ओमेगा, है ना, ओमेगा क्या है, ओमेगा हो जाएगा तुम्हारा 4 ए स्क्वायर माइनस, है ना, तो ए क्या है तुम्हारा 1 स्क्वायर माइनस वाई क्या है 0.6 का होल स्क्वायर। ठीक है, 0.6 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, कुछ भी लगाओ यार तुम्हारी मर्जी, 0.36 तो बहुत सिंपल हो गया ना, 0.36 बचा क्या 64, ओ माय गॉड यार ये तो बहुत सिंपल हो जाता है, 36 64। ठीक है, तो ये तो 0.8 आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा, ठीक है 0.8 आ जाएगा, तो 0.8 का स्क्वायर है ना अंडर रूट में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.2। ठीक है, समझ गए। वैसे यार ये चीज़ एकदम से तुम ना पाइथागोरस से भी निकाल सकते हो, तुम बोलोगे यार ये तो पाइथागोरस, ये 37 डिग्री वाला ट्रायंगल है सर, ये 6/10 वाला, 6/10 वाला 0.1x कर दो उसको, है ना, तो ये 10 होता है तो इसको 1 कर दो, है ना, इसको 0.6 कर दो तो ये 0.8 होता है ना। ठीक है, तो ये 6/10 3/4/5 वाला ट्रायंगल है, तो इससे भी तुम डायरेक्टली लिख सकते हो, अरे दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर हो रहा है, तो यही होगा ना। ठीक है, क्लियर, so this is another way of doing it, so guys that was about it।
ठीक है, और हम कुछ कुछ नया ला रहे हैं, तो थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग दैट। आई नो आपके कमेंट्स हम पढ़ रहे हैं, बड़ा मज़ा आता है, तो डेफिनेटली यार देख लेना इसको, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, अभी कभी ज्वाइन कर लो इसको, आप यूटिलाइज करो livedaily.me/ai एन अकेडमी, सब्सक्रिप्शन का पार्ट बन जाओ, इससे आपको एक बहुत अच्छी एज मिलेगी। आपको समझ में आ गया होगा कैसे है ना, यूट्यूब पे आपको ये फ्लेवर हल्का सा मिल गया होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपको इस इंडिया की नंबर वन टीम से पढ़ना है, पहली बात नंबर वन टीम कहाँ पे मिलेगी, नंबर वन प्लेटफॉर्म पे मिलेगी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको आपके टीचर्स, जो बच्चा जिस टीचर से पढ़ना चाहता है उससे पढ़ाता है। जैसे इंडिया की नंबर वन टीम यहाँ पे पढ़ाती है, JLAB दिल्ली की टीम, जिसको 15 से 20 लाख बच्चे फॉलो करते हैं, जो इंडिया के पहले डिजिटल ऑथर्स हैं, दे आर ऑल्सो दी ऑथर्स ऑफ द टॉप रैंकर सीरीज, ऑल्सो दी ऑथर्स ऑफ द टॉप रैंकर सीरीज, जिसका सवाल अभी आपने किया था, ठीक है। तो आई मीन दैट इज इट, इसको आप भी यूटिलाइज करो, और इसके बारे में आप अगर रिव्यू वगैरह लिख सकते हो तो वो भी करो, डेफिनेटली यार हमारी टीम को बड़ा अच्छा लगेगा। उसके अलावा वाइब्रेंट बंसल्स न्यूक्लियस, वाइब्रेंट बंसल्स न्यूक्लियस द टॉप इंस्टीट्यूट्स ऑफ द कंट्री, टॉप इंस्टीट्यूट्स ऑफ कोटा है ना, उनके डायरेक्टर्स यहाँ पे पढ़ाते हैं। तो आप ये सोचो, इंडिया की नंबर वन टीम, कोटा की नंबर वन टीम, साउथ इंडिया का नंबर वन बैच, दैट इज द चैतन्य नारायण बैच, चाइना बैच कहते हैं उसको, दैट इज पार्ट ऑफ एन अकेडमी, 30+ टॉप ऑथर्स यहाँ पे पढ़ाते हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि इफ यू वॉन्ट टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट, एब्सोल्यूटली, ठीक है। और बच्चों हम नहीं बोलते, हमारा रिजल्ट बोलता है, 3 बार लगातार 100% percentile, 3 बार लगातार 100% percentile, और उसके बाद ऑल इंडिया रैंक वन अमेया सिंगल आपके सामने है। थैंक यू सो मच। उसके अलावा अनअकैडमी की लर्निंग आपको, आप इंस्टॉल कर लेना, अनअकैडमी.com पे आप अकाउंट बना लेना, उस पर जब आप अकाउंट बना लेंगे आपको IIT JEE सेलेक्ट करना पड़ेगा, नीट जो भी आपका गोल है उसको सेलेक्ट कर लेना, आप ये कोड यूज़ कर लेना नमो या नमो लाइव, अगर आप ये कोड यूज़ करते हैं तो आपको मैक्स बेनिफिट मिलता है। इफ़ यू वॉन्ट द मैक्स बेनिफिट, फिर से बोल रहा हूँ, इफ़ यू वॉन्ट द मैक्स बेनिफिट, तो आप मैक्स बेनिफिट के लिए, मैक्सिमम बेनिफिट के लिए आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं, नमो या नमो लाइव, ठीक है। और जब जब आप ये कोड यूज़ करते हैं तो दिल मेरा भी धड़कता है, इससे आपको काफ़ी कुछ, मतलब अगेन एक्स्ट्रा मंथ्स का अगर होते हैं तो वो मिल जाते हैं, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है, प्राइस आपका कम हो जाता है, स्पेशल लास्ट का फ्री एक्सेस मिलता है, आप सब्सक्रिप्शन लो ना लो, 11th, 9th और 10th वाले बच्चों के लिए ये बड़ा सब्सक्रिप्शन काफ़ी है ना, 2 साल और 2.5 साल का। 12th एंड ड्रॉपर्स के लिए बेस्ट है कि वो 1 साल या आधे साल का सब्सक्रिप्शन लें। एग्जाम्पल 8 महीने हैं, टेक द 12 मंथ सब्सक्रिप्शन। एग्जाम्पल 18 मंथ्स है, टेक द 24 मंथ सब्सक्रिप्शन। क्या लेना चाहिए? प्लस लेना चाहिए, आइकॉनिक लेना चाहिए। बाय द नेम आइकॉनिक, ऑब्वियसली आइकॉनिक होता है यार, है ना, आइकॉनिक में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती है, 1-to-1 लाइव मेंटरशिप, लाइव डाउट सॉल्विंग, हार्ड कॉपी ऑफ कॉन्टेंट इन द बिगर सब्सक्रिप्शन ऑफ आइकॉनिक और ये सब चीज़ें। तो ये अगर आप वो चूज़ कर सकते हो तो वो चूज़ कर लेना, वो वर्ल्ड की बेस्ट ऑफरिंग है। और नहीं तो प्लस ले लेना, प्लस अफोर्डेबल है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है, और बाद में भी अपग्रेड करने का ऑप्शन मिलता है, तो मतलब यू नो इट, इट्स अ नो ब्रेनर, ठीक है। तो यार दैट्स अबाउट इट, तो चलो अब हम चलते हैं। उसके अलावा आपको एक खुशखबरी दे देते हैं, 15th of October है ना, 15th of October है, जस्ट 2 दिन पहले लॉन्च हुए, क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है, 2 दिन पहले ही एक्सेल इमर्ज और क्रैश कोर्स के बैचेस आ चुके हैं, जो आपके 11th के बच्चों के लिए, ड्रॉपर्स के लिए, और क्रैश कोर्स जिनको जल्दी 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 सारी चीज़ें करनी है उन सबके लिए, एवरीथिंग इज देयर। अब आपको पता है सबकी कुछ ना कुछ मेरिट है, अगर आपने ऑलरेडी सब कुछ पढ़ रखा है तो आपके लिए क्रैश कोर्स बहुत अच्छा होगा 2022 के लिए। अगर आपको ड्रॉपर स्टार्टिंग से सब कुछ पढ़ना है 11th और 12th डिटेल में, तो ड्रॉपर्स बैच है, इमर्ज बैच जो बिल्कुल आराम से आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। सो ऑल दीज बैचेस आर देयर, और ऐसे बहुत सारे, ढेर सारे बैचेस इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं। तो वन सब्सक्रिप्शन अनलिमिटेड एक्सेस आपके लिए रहता है, तो मतलब यू डोंट हैव टू टेक चांसेस, आपको 1 रुपया भी कहीं और स्पेंड नहीं करना है, यू जस्ट टेक द सब्सक्रिप्शन, यू डोंट इवन हैव टू बाय अ सिंगल किताब, आपको डिजिटल वीडियो बुक हम फ्री में दे देते हैं। अगर आपको स्टिल अगर लेनी है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप डेफिनेटली यार ये ले सकते हैं, द टॉप रैंकर सीरीज, क्योंकि इसमें सवाल है, थ्योरी तो आपके पास सारी ऑलरेडी है फ्री में, ठीक है। उसके अलावा यार डेफिनेटली आप अनअकैडमी कॉम्बैट, मेगा कॉम्बैट, टेस्ट सीरीज, T20 इनका इनका पार्ट ले सकते हैं, यू कैन आस्क अ डाउट, और ये सारे फीचर्स अब हमारे पास हैं, ठीक है। तो यार बस एंड में यही बोलेंगे कि यार हज़ारों सुकून छोड़ने पड़ते हैं एक जुनून के लिए, ठीक है। और कुछ लोग क्या करते हैं, जुनून को छोड़ देते हैं हज़ारों सुकून के लिए, सो डोंट डू दी अदर थिंग्स, बिकॉज ये बाद में आपको बहुत हेल्प करेगा, बाद में आप सुकून वाली जिंदगी जी सकते हो। तो डेफिनेटली यार अगर आज की क्लास अच्छी लगी तो आप मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, मुझे ही नहीं इंडिया की पूरी नंबर वन टीम को फॉलो कर लें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया और इतना सपोर्ट दिया, इंडिया का नंबर वन चैनल बनाया है इसको, उसके लिए थैंक यू रियली सो मच। बट यार शेयर करते रहना यार, है ना, आपका एक शेयर सच में यार दिल को धड़काता है, हमें मतलब एक जीने की एक नई तमन्ना देता है।